आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, फरवरी 2024 मंथ की जो विजन मंथली मैगजीन सीरीज चल रही है उसके ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियो आई है उसमें हमने पॉलिटी, IR, इकॉनमी एंड सिक्योरिटी, ये सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें हम लोग एनवायरनमेंट सेक्शन के ये 15 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टोटल मैगजीन 4 पार्ट्स में आती है। चारों पार्ट्स अपलोड हो जाने के बाद ये हाईलाइटेड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, सेटिंग आवर्स इंप्रूव करने के लिए जूम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। PDF में मैं एनोटेशंस भी प्रोवाइड करता हूँ, वो आपको एडमिन से मिलेगी, एडमिन का भी कॉन्टैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। जब चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वहाँ पर जाके यू कैन पोस्ट मैसेज कि मुझे एनोटेशंस वाली PDF चाहिए। तो जब चारों वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी उसके बाद या दोनों तरह की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेट्स स्टार्ट द एनवायरनमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं CMS के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। टॉपिक नंबर 5.1 है हमारा ये। तो अभी रिसेंटली 14th मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, और ये हुई थी उज्बेकिस्तान के समरकांड में। तो उज्बेकिस्तान जो है ना ये सेंट्रल एशिया, आप मिडल ईस्ट एशिया बोल सकते हो, मिडल एशिया, मिडल ईस्ट भी थोड़ा सा हो गया, बस जनरली इसको कभी सेंट्रल एशिया बोल दिया, कभी मिडल एशिया, मिडल ईस्ट बोल दिया, इस तरह अलग अलग तरह के नाम चलते रहते हैं। बट ये जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे टॉप ये जो कंट्रीज हैं ना ये अभी दोबारा से न्यूज़ में है। इफ़ यू ऑल नो कि अभी मॉस्को में रिसेंटली जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें जो 4 टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो चारों के चारों अभी तक तजिकिस्तान के आइडेंटिफाई हुए हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में। माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होते हैं? कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जिनके पूरी पॉपुलेशन या फिर ज्योग्राफिकली कोई सेपरेट पार्ट जो होता है पॉपुलेशन का, वो साइक्लिकली या फिर प्रेडिक्टिबली एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जाएंगे। तो दो तरीके से जा सकते हैं, साइक्लिकली मतलब कि जैसे एस्ट्रोनॉमिकल होता है ना सर्कैडियन रिदम एनुअल टाइम पे क्लाइमेट के हिसाब से या फिर किसी फ्रीक्वेंसी से, तो एक तो हो गया कि साइक्लिकली, ऑलराइट, एंड दूसरा होता है प्रेडिक्टेबली। तो प्रेडिक्टेबली के अंदर जनरली फिनोमिना होगा कि आप एंटिसिपेट करते हो कि बिकॉज ऑफ अ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, है ना, जो कि रेगुलर नहीं हो सकते बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो ये कन्वेंशन है, इसको हम लोग बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। UNEP के द्वारा स्टार्ट की गई एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यानी कि एक समझौता था अलग अलग देशों की सरकार के द्वारा किया गया कि किस तरीके से ये जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं इनके हैबिटेट को भी और इनको भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। शुरुआत इसके 1979 में की गई थी, उसके बाद इसको एनफोर्स किया गया 1983 में। इंडिया ने इसको 1983 से ही ज्वाइन किया हुआ है और टोटल इसमें 133 पार्टीज हैं। इसमें दो अपेंडिक्स हैं, एक में एंडेंजर्ड के बारे में बात की गई थी और एक ऐसे एनिमल्स जिनके लिए कंजर्वेशन स्टेटस थोड़ा सा अनफेवरेबल है। इंडिया इसका नॉन लीगली बाइंडिंग, इंडिया ने जो साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एग्रीमेंट को ही बोलते हैं। तो इंडिया ने कहा था कि हम लोग नॉन लीगली बाइंडिंग को साइन करेंगे। फिर अलग अलग ईयर्स में इंडिया ने अलग अलग पर्टिकुलर एनिमल्स और स्पीशीज़ के लिए साइन किया, जैसे 1998 में साइबेरियन क्रेन्स के लिए, 2007 में मरीन टर्टल्स, 2008 में डुगोंग, 2016 में रैप्टर्स के लिए। 2020 में गुजरात के गांधीनगर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था। तो ये जो होता है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हर 3 साल में होता है। इसमें अभी जो कन्वेंशन है ना CMS का, इसकी एक प्रिंसिपल बॉडी है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए भी होता है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इस टाइम पर सब लोग मिलते हैं, बजट सेट करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे, है ना, अपने जो ये अपेंडिक्स वगैरह होते हैं इनमें अगर कोई बदलाव लाना होता है वो सब इस टाइम पर किया जाता है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड के माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो
पहली बार एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़। ये अभी COP14 में रिलीज़ किया गया है। तो ये पता चला है कि जितने भी ये एनिमल स्पीशीज़ जो CMS के अंदर लिस्ट किए गए हैं ना, इसमें से 44% ऐसे हैं जो डिक्लाइन शो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और इसमें जितने भी लिस्टेड हैं उसमें से 22% ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, जिनकी जनसंख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो गायब हो जाएंगी। अगर हम मछलियों की बात करते हैं उसमें से 97% ऐसी हैं इनको भी थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, ये एकदम धरती पर से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कुछ स्टेटस है इस रिपोर्ट के तहत पता चला था हमको। इंडिया ने इस तरह के स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए थे, जैसे कि 2018 से 2033 तक हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया था कि कैसे हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स को, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये एक रूट है सेंट्रल एशिया का जहाँ से इसे साइबेरियन जो ये आता है ना, दिस कहाँ गया अपना, अरे अभी तो था इधर, नाम दिखाया था मैंने आपको, चलो ठीक है जो भी है, इंडिया में जो भी आते रहते हैं जैसे डुगोंग वगैरह हो गया, रपचे वगैरह हो गया, हाँ ये इधर है नाम इनके, साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल्स तो जनरली सी से आएंगे, लेकिन डुगोंग भी सी से आएंगे, रैप्टर्स, साइबेरियन क्रेन जनरली जैसे आते हैं ना, तो दे ऑल कम थ्रू द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये एक रूट है एक तरीके से। तो उसमें इनके प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है ना, इनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, हाउ कैन वी कंजर्व दिस। अब ना बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने का एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज प्रोग्राम था, उसके तहत उन लोगों ने नेटवर्क बनाया था कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को भी साथ में प्रोटेक्ट करेंगे। 2021 से 2026 तक का हमारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान था, तो कछुआ जो होता है उनको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना ओशियन में, नियर बाय सीज एरिया, सी एरिया के पास में। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी टेकन सो मेनी स्टेप्स। इंडिया में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, एमूर फैल्कन, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, हम्पबैक्ड व्हेल्स, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, स्नो लेपर्ड्स, तो ये सब के सब हमारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं भारत के। देर कैन बी ए क्वेश्चन, UPSC कैन आस्क कि बंगाल फ्लोरिकन, स्नो लेपर्ड क्या ये आपको माइग्रेटरी स्पीशीज़ में काउंट होते हैं, एशियन एलिफेंट खास करके आपको लगे कि एशियन एलिफेंट कहाँ माइग्रेट करता है, बट हाँ इनके भी कॉरिडोर्स होते हैं एलिफेंट्स के, जो क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से ये दे कीप मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में अभी का जो कुछ आउटकम्स थे, हम लोगों ने कुछ नए स्टेप्स लिए थे सेफ गार्ड के। इस बार का स्लोगन था नेचर नोज नो बॉर्डर्स, कुदरत के लिए कोई सीमा नहीं होती है। तो कुछ 14 नई स्पीशीज़ को ऐड किया गया था, है ना, 6 स्पीशीज़ ऐसी थी जिसके लिए कुछ एक्शंस कॉन्क्रीट कॉन्सर्टेड किए गए थे, फिर कुछ स्पीशीज़ के लिए सिंगल स्पीशीज़ एक्शन प्लान बनाए गए थे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को लेकर के एग्रीमेंट किया गया था, मल्टीपल स्टेप्स हैव बीन टेकन, एक ग्लोबल पार्टनरशिप की गई थी फॉर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी कि उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा क्रिटिकल एरियाज़ में। तो ओवरऑल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारा, कि वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू कनेक्ट एंड रिस्टोर द हैबिटेट। तो हमारे पास ना कुछ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ होते हैं, तो ये वो एरियाज़ होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इस तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एंड द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। कभी कभी क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा इन तरह की स्पीशीज़ की हंटिंग वगैरह की जाती है, तो हमारे रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लॉइट होता है। तो एक प्रोसीजर सेटअप किया गया था जिसमें कि एक ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि इनका ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो। एनवायरमेंट में पॉपुलेशन होता है ना, अब लाइट से पॉल्यूशन हो रहा है ना, अंडर वाटर नॉइज क्रिएट होती है लेड एमिनेशन के कारण, तो बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन पॉल्यूशन के कारण किस तरह से माइग्रेटरी स्पीशीज़ पर, बायोडाइवर्सिटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उसे हम कैसे मिटिगेट करें, उसके प्रभाव को हम कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। क्लाइमेट चेंज में के कारण बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, तो व्हाट कैन वी डू, मतलब कैसे हम लोग उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि बदलते हुए मौसम के हिसाब से हमारी स्पीशीज़ अडेप्ट कर सकें। तो कन्विंग डिक्लेरेशन है चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए, पूरे इकोसिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट एक डिक्लेरेशन किया गया था। देन हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम माइग्रेटरी स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं तो वी नीड डेटा, हमारे पास रजिस्ट्री चाहिए है ना, हमें बैकएंड सपोर्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है, तो उसमें हमको अपेंडेंसेज वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सारी चीज़ें मेंटेन्ड अच्छे से। एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ है ना वो सारी की सारी लिस्टेड हैं भी या नहीं है, तो डेटा डेफिशिएंसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए किसी भी एनिमल की, किसी स्पीशीज़ की, बर्ड की, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तभी हम एविडेंस बेस्ड एक्शन प्लान पे काम कर पाएंगे। सो दिस टॉपिक ओवरऑल हैज़ रेलेवेंस विद बोथ योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, कि मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो आएगा COP पर, कि भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाले पे तो हर बार आता है ना। देन
तो और प्रीलिम्स में जनरली आपसे पूछ सकते हैं, इंडिया के द्वारा कोई स्टेप लिया गया, किसी स्पीशीज़ का पूछ लेंगे, कोई नई स्पीशीज़ जो उसमें ऐड की थी जो हम लोगों ने देखी थी। ओवरऑल COP के बारे में पूछ लेंगे, कौन से ईयर में आया था, इंडिया ने कौन से पर्टिकुलर के लिए एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, इंडिया ने कौन से ईयर में होस्ट किया था। तो भारत पहली बार लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्रिएट की गई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जब COP 13 हुआ था उस टाइम पर। तो वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन एंड इट्स एन ईजी सिंपल टॉपिक, वंस यू गो थ्रू दिस आपको पता चल जाता है। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रिलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रिलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का पेपर है जहां से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सनसेट से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहां पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कॉन्टेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टू UPSC सिलेबस जो प्रिलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है एंड देन डायनामिक कॉन्टेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं,
एट शेड्यूल, क्विक नोट्स आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, सेवन हिल्स ऑफ रोम, सेवन फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है। एंड अपनी नीड्स के हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे, देखोगे तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी। देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-pronged अप्रोच यूज़ करोगे तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं, 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है, 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन हैं बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को कैसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है ताकि आप भूलो ना।
देर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में, याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे, ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स हैं ना उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है, लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा, तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज़ करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है InstaMojo। InstaMojo सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो, तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना InstaMojo या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। वी हैव टॉपिक नंबर 5.2 जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर एक्ट में अमेंडमेंट किया था। जो वाटर एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, 1974 का है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, और अभी जो बदलाव किए गए हैं ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरेटरीज में अप्लाई होंगे, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, और
ये सब चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में मैंशनड है कि कौन सा सब्जेक्ट किस गवर्नमेंट के अंडर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा या फिर सेंट्रल के या फिर दोनों के। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको पता भी होनी चाहिए, आर्टिकल 252, इसको ज़रा रीड करो। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच इट लैक्स लेजिस्लेटिव पावर। कुछ सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की जो ताकत होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, बट आर्टिकल 252 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एक्ट्स, ऐसे सिचुएशन पर भी कानून बना सकती है जहाँ पर उनके पास पावर नहीं होती है, और ये आर्टिकल 252 से पावर आती है। हम लोग इस अमेंडमेंट को जानने से पहले थोड़ा सा पुराने एक्ट के बारे में जान लेते हैं। वाटर को प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पानी को बचाना भी है और उसको प्रदूषित होने से भी रोकना है। 1974 में गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्टेप लिया था। ये जो ओरिजिनल एक्ट था ये 25 स्टेट्स पर एप्लीकेबल था, और इसको इससे पहले 1988 में और 2003 में अमेंड भी किया गया है। अब इस एक्ट को सेटअप करने के लिए, उसके बाद फर्दर जो भी वाटर को लेकर के जो भी प्रोविजंस थे उनके रेगुलेशन के लिए हमारे पास एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, और सिमिलरली स्टेट लेवल पर एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया था। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये जनरली आपसे आपके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये कोई भी, अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी ना, तो आपके लिए ये बहुत कंपलसरी होगा कि आपको अपने स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। जरा हम लोग CPCB के बारे में जान लेते हैं। ये एक्चुअल में 1974 के एक्ट के बाद ही एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अब स्टैट्यूटरी क्या है, मैं रिपीट करते आ रहा हूँ, जब किसी एक्ट के तहत किसी अथॉरिटी को, किसी बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाता है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। जब कोई अथॉरिटी बॉडी हमारे संविधान में ऑलरेडी मैंशनड होती है, जैसे UPSC, इलेक्शन कमीशन, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नीति आयोग ना किसी एक्ट से बनाया गया था और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मैंशन है, तो उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो पावर और फंक्शंस होते हैं CPCB के, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसमें जो एयर एक्ट है ना 1981 का, वहाँ से इसको पावर एंड फंक्शंस मिलते हैं। बाकी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके चेयरमैन को अपॉइंट करती हैं। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल में जाहिर सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वाटर पॉल्यूशन वगैरह पर काम करेगा, एयर पॉल्यूशन पर काम करेगा। कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे CPCB के द्वारा, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम और प्राण पोर्टल। तो ये सब हमारे देश के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए थे, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थे। अब जरा हम ये जान लेते हैं कि 1974 वाले एक्ट में क्या प्रोविजंस थे और अभी 2024 में क्या चेंजेस किए गए थे। अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं तो पहले जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चूज किया जाता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। पहले कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर थी कि वो गाइडलाइंस इशू करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में कैसे चीज़ सेटअप होंगी। अब वो पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है। पहले आपको सज़ा मिल सकती थी अगर आपने पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं किया, तो 6 साल तक की सज़ा हो सकती थी। तो अब बहुत सारी चीज़ों को वॉयलेट डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, लेकिन आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का। पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको किसी भी तरह के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब उनको जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है कि उनको बताया जाएगा कि आपसे गलती हुई है, बट अब उनको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, उनकी बेसिक सैलरी, एक महीने की बेसिक सैलरी के इक्विवेलेंट। तो ये कुछ मेजर बदलाव किए गए थे। इसके अलावा 2024 में कुछ और चीज़ें बताई गई थी कि अगर आप मॉनिटरिंग डिवाइसेस के साथ छेड़ाखानी करेंगे तो आपको 10,000 से 15 लाख रुपये तक की पेनल्टी दी जा सकती है। जो एडजुडिकेटिंग ऑफर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा और वो एक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का होगा। जब बात जॉइंट से एक शब्द आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो न्यूज़ में हमारे जो इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र हैं, मैं अगर आप एक सेकंड होल्ड करें तो मैं ज़रा पढ़ के आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ कि वो न्यूज़ क्या चल रही है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बस आपको सुनाई देगी बात। इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि टू मैनी यंग किड्स आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन UPSC। ही इज़ अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मतलब ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बैठ करके पहले गूगल खोल के देखो, पढ़ने की कोशिश करो, हु इज़ इकोनॉमिस्ट संजीव सन्याल। तो उन्होंने कहा कि टू मेनी यंग किड्स आर वेस्टिंग देयर टाइम ट्राइंग टू क्रैक द UPSC। ही सेड लार्ज पार्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर लार्जली डल एंड बोरिंग। आई ऑलवेज डिस्करेज पीपल, अनलेस दे रियली वॉन्ट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर दे शुडंट टेक द UPSC एग्जाम। और कुछ देर पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि यू शुड एम टू बिकम एलन मस्क और मुकेश अंबानी रादर देन एमिंग फॉर जॉइंट सेक्रेटरी। बेसिकली आपका एम बड़ा होना चाहिए
देर आर सर्टेन केसेज जहाँ पर आपको एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना होता है, तो यू शुड गो फॉर दिस, बट इफ़ यू लैक क्लैरिटी यू शुड एम बिगर देन दिस। तो ये जब ये शब्द आया तो मैंने आपको सडनली बता दिया कि न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, यूपीएससी के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर भी इनका ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। फिर साथ में जो पैसा वगैरह होता है उसको एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड क्रिएट किया गया था हमारे ईपी एक्ट 1986 के साथ, उसमें जो भी पेनल्टीज़ का पैसा आएगा वो वहाँ पे ऐड किया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको पता होगा ना भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 का। अगर कहीं पर अपील करनी होगी तो एनजीटी के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी सारी की सारी अपील करने के लिए, तो जो भी ऑर्डर होंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के, उनके बात को अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, मुझे इस पर अपील करना है, देन आपको पहले 10% अपनी पेनल्टी पे करना होगा, उसके बाद आप एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी क्या करता है, एनजीटी एनवायरनमेंट संबंधित सारे केसेस हैंडल करता है, तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो ट्रिब्यूनल है जाहिर सी बात है। अब इस तरह के जब बदलाव किए गए हैं हमारे वाटर एक्ट में, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? नंबर वन चीज़ आपने देखा कि कुछ चीज़ों में ना चीज़ों वॉयलेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो सरकार एक भरोसेमंद शासन को स्थापित करना चाहती है कि आपको सजा नहीं देंगे, पेनल्टी देना स्टिल ईजी, आपको जेल में नहीं डालेंगे, है ना। तो बहुत सारे जो माइनर छोटे छोटे जो अपराध थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि छोटी सी चीज़ों के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आप फाइन दे दीजिएगा उसके लिए। रेगुलेटरी बर्डन जो था उसको कंपैरेटिवली रिड्यूस किया गया है, है ना। सर्वेलेंस का जहाँ बहुत जगह पर सर्वेलेंस की और बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज की डुप्लीकेशन थी, तो वो बर्डन बढ़ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर्वेलेंस कर रही है, स्टेट भी कर रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है ऑफिसर की वो भी कर रहा है, मल्टीपल चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है कि क्वालिफिकेशंस वगैरह एटलीस्ट हमारी यूनिफॉर्म हो सके। फोकस करना है डेवलपमेंट पर भी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, हम यही नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो बाकी चीज़ें बंद कर दी जाए, वी नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस, वी नीड टू एस्टैब्लिश दैट बैलेंस। बट इस तरह का कोई अमेंडमेंट किया जाता तो बहुत जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ना कुछ इश्यूज़ एंड कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो देखने को मिलेंगे। नंबर वन, पेनल्टीज़ की इनफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगा था कि यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पर फाइन लगाने से ज़्यादा पनिश करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे कि लिटरिंग ऑफ द घाट्स, जो घाट वगैरह होते हैं वहाँ पर गंदगी वगैरह फैलाना, तो उसमें देखा गया था कि फ़ाइन लगाना ना इफेक्टिव हो नहीं पा रहा था, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही थी। और यहाँ पर देखा गया कि फाइन्स को सबको ज़्यादा बढ़ाया गया, बल्कि पनिश करना, जेल वगैरह में डालना, कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर देना, उस चीज़ को हटा दिया गया। वाटर पोल्यूशन के जो इश्यूज़ है ना वो लगातार बने हुए हैं। एक 2023 की रिपोर्ट आई थी हमारी स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट, उसमें कहा था कि 46% जो इंडिया के रिवर्स हैं उसमें आज भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। फिर नीति आयोग ने कहा था कि ऑलमोस्ट 400,000 डेथ होती हैं हर साल, 400,000 लोग दूषित पानी की वजह से मर जाते हैं। फ्यूचर इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में जीने के लिए हमको वाटर को यूटिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे आजकल के टाइम में, नेक्स्ट मंथ ये आएगा, देखना बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस आया हुआ है, तो ये नेक्स्ट मंथ हम लोग पढ़ेंगे, देखना इस न्यूज़ को पक्का, इसी में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन में ही। तो अभी आप देखोगे वहाँ पर 22 लोगों को गवर्नमेंट ने पानी वेस्ट करने के लिए पनिश किया था, उसमें 1,00,000 रुपये का फाइन लगाया गया है। यस्टरडे आई मेट अ पर्सन, एक भैया है, वो गूगल में जॉब करते हैं, ही स्टेज इन बेंगलुरु, तो वो आए हुए थे, उनसे मिला, तो वो कह रहे थे कि उनकी सोसाइटी में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि 10% पानी कैसे सेव करना है। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक हाउस में ना, हर एक घर के अंदर एक टॉयलेट को का पानी कनेक्शन सोसाइटी ने बंद कर दिया। मतलब हर एक घर में अगर दो, क्योंकि 2 BHK 3 BHK में 2-3 टॉयलेट्स होते हैं ना, तो सोसाइटी को ये पता चला कि पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, हमारे पास लिमिटेड पानी है, तो लेट्स डू वन थिंग, हर एक घर में एक एक बाथरूम के कनेक्शन काट दो। उन्होंने इंटेंशनली सबके कनेक्शन काट दिए। द एम वाज टू सेव 10% वाटर, बट रिजल्ट निकल के आया कि उन्होंने 15% वाटर सेव किया ऐसे। तो बेंगलोर में अलग लेवल का क्राइसिस चल रहा है, अगर आप में से कोई बेंगलोर में रहता है तो यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि में आई वॉज देयर, आई मेट अ फ्रेंड, उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी थी। अब मैं बेंगलोर का नहीं तो मुझे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, बट हम उनके घर एक दिन रात को रुके थे, तो उसने बताया था कि कैसे वो एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होके आए थे ओनली बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस। तो वहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। फिर आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, बहुत सारी जो पावर थी वो स्टेट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पर ले ली गई थी, जैसे कि चेयरमैन को अपॉइंट करना, है ना, और इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्पशन देना। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना वो भी बहुत अफेक्ट हो रहा है। ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें ना, देन यू नीड टू लुक एट वन थिंग, दैट इज़ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जो भी लोग इसमें हिस्सेदार हैं वाटर को लेकर के ना, उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा,
वी कैन नॉट से कि अथॉरिटीज़ ही डिसीजन लेंगी, अथॉरिटीज़ ही सब डिसाइड करेंगी, तो उनसे कंसल्टेशन करेंगे, उसमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी आते हैं, उसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, उसमें हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, ऑलराइट। तो सबको इस तरह के अमेंडमेंट्स को रिफाइन करना पड़ेगा, सारे कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। फिर और भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे ट्रेनिंग करना है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना। तो इससे क्या होगा कि जो भी एनवायरमेंट के रेगुलेशंस होते हैं ना, उनका इन्फोर्समेंट काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन है, और वाटर एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहा है। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कहीं पर भी आप स्किप नहीं कर सकते। ये प्रीलिम्स में भी आता है वाटर एक्ट पर सवाल, मेंस में भी आता है, और इस तरह के टॉपिक्स पर, क्योंकि ये ना एक नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, तो यूपीएससी में वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे। मतलब आजकल जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें यूपीएससी डेफिनेटली बात है सवाल पूछ रहा होगा कि व्हाट अबाउट द बेंगलोर वाटर क्राइसिस, अगर आप वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होते तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। ये सवाल लोगों के बन के आ रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा। तो द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी इन अ वे कि अगर आपको ये परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप इसे कैसे हैंडल करोगे। सो इस तरह के एक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तीनों एग्जाम के लेवल पर ये अपनी इंपॉर्टेंस इक्वली लेके चलता है। अगला टॉपिक हमारे पास जो 5.3 का है, उसमें हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली गवर्नमेंट को बोला था कि 1996 में एक जजमेंट आया था TN गोदावरम केस का, उस केस में जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी गई थी आप उसी को फॉलो कीजिए। तुम लोग जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में स्टेप बाय स्टेप फॉरेस्ट की डेफिनेशन डेवलप हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली इस केस के बारे में कहा था कि आप इस डेफिनेशन को इस्तेमाल कीजिए। हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है, इसके क्या कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, एंड इसके अलावा भी हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट था 2023 वाला, उसको भी हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा रेलिवेंस आपको प्रिलिम्स का मिलेगा। मैं ना ये जगह जगह पर एनोटेशंस में डाल देता हूँ कि पी और उसके ऊपर सर्कल अगर कर दिया तो ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा पुराना चलते हैं, है ना। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, काफ़ी पुरानी बात है, 19th century की। तो उससे हमने कहा था कि फॉरेस्ट जंगल वो जगह होगी जिसमें ज़मीन के ऊपर पेड़ होंगे, है ना, कुछ झाड़ियाँ वगैरह होंगी और पूरा का पूरा जंगल होगा, उसको हम लोग फॉरेस्ट बोल देंगे। फिर उसके कुछ 13 साल बाद फॉरेस्ट एक्ट आता है 1878 का, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई थी, फिर हमने उसमें फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया था। ये जाहिर सी बात है अंग्रेज़ थे, वो अपने हिसाब से डेफिनेशन दिए जा रहे थे, स्टेट और रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे और विलेज फॉरेस्ट होंगे। फिर 20th century की बात करते हैं, 1927 में अगेन अंग्रेज थे उस समय पर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, उसमें जो भी 3 major थे प्रीवियस एक्ट के उनको ऐड किया गया था, एंड अमेंडमेंट की गई थी इंक्लूडिंग ड्यूटी ऑन टिम्बर। टिम्बर मतलब क्या होता है, देखो वुड में और टिम्बर में यही डिफरेंस होता है, होती दोनों लकड़ियाँ ही हैं, बट टिम्बर जब उस लकड़ी का इस्तेमाल हम किसी कंस्ट्रक्शन में करते हैं, तो जैसे लट हो गया, बल्लियाँ होगी, है ना, फट्टे हो गए, वो सब के सब टिम्बर में काउंट होते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल हम लोग किसी बिल्डिंग में किसी कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं, तो ये टिम्बर में और वुड में डिफरेंस होता है। तो उन्होंने इस पर ड्यूटी लगाना स्टार्ट कर दिया था 1980 में। अब देश आज़ाद हो चुका है, अब आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपको एक फॉरेस्ट लैंड को, यानी कि एक ज़मीन जहाँ पर पहले जंगल है उसको नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए इस्तेमाल करना होगा तो आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, कंपलसरी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओके। फिर 1996 में कुछ केस होता है, TN गोदावरम केस में, वहाँ पर फॉरेस्ट की डेफिनेशन पर बात की जाती है। तो केस में एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ऐसा कोई भी एरिया है ना जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के नाम पर रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, इन रेस्पेक्टिव उसके ऑन कौन कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो चीज़ फॉरेस्ट में काउंट होगी। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि डिक्शनरी में फॉरेस्ट का जो मीनिंग होता है ना, वो वाले सारे एरियाज भी फॉरेस्ट में काउंट होंगे। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक ऑर्डर वगैरह पास किया, तो उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट कमिटीज़ भी अगर किसी जगह को फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगी उसको भी हम फॉरेस्ट काउंट करेंगे। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1865 टिल द 1996, ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा हो चुके थे, डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है, ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया गया। आप एक्सपर्ट कमिटीज़ किसी को भी ऐड कर सकती हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़ में जनरली एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट लोग होंगे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह के टाइम पर एक्टिविस्ट बन करके चीज़ों में सजेशन देते हैं। तो डेवलपमेंट के अगर आप देखोगे इसके डेवलपमेंट को, तो लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन। अभी रिसेंटली हमने जो अपना 1980 का जो एक्ट था उसमें 2023 में एक अमेंडमेंट किया था, हमने कहा था कि अ लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट।
तो फॉरेस्ट लैंड उसको बोलेंगे जो हमारे 1927 के एक्ट के हिसाब से उसको डिक्लेयर किया गया होगा। फिर 1980 उसके वो या उसके बाद में कोई भी ऐसा लैंड रिकॉर्ड जो कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे ज़मीन का कोई रिकॉर्ड होगा जो फॉरेस्ट के नाम पर होगा उसको भी हम लोग फॉरेस्ट लैंड कंसिडर करेंगे। ये कुछ बदलाव किए गए थे 2023 में। वन रूल्स आए थे, वन मतलब जंगल के लिए कुछ नियम आए थे, संरक्षण एवं संवर्धन के कुछ नियम लाए। अब रूल्स जनरली एक्ट के बाद आते हैं, पहले एक्ट बनाया जाता है फिर उसके रूल्स आते हैं। UPSC इज़ वेरी पर्टिकुलर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन गाइडलाइंस रेगुलेशंस एंड रूल्स। मेंस में गाइडलाइंस रेगुलेशंस रूल पर सवाल आते हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी गाइडलाइंस पर सवाल आए थे। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जब आई थी उस पर UPSC ने प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा था और मेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हुआ क्या, स्टेट और स्टेट वगैरह को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे इस रूल में कि आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा वो सारी चीज़ों का जो हमारे इस एक्ट के अंडर आती हैं, ठीक है। तो बस ये सब कुछ बदलाव स्टेप बाय स्टेप किए गए थे। एक बार देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 था इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए थे। उसमें उसका जो नया नाम दिया गया था वो था वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। तो अगर आप देखोगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वन संरक्षण रूल्स ये एक ही चीज़ है, नाम बदल दिया गया था इसका। इसमें प्रीएम्बल भी ऐड किया गया था। प्रीएम्बल किसके हिसाब से था, NDC के हिसाब से। अब NDC क्या है, इंटरनेशनली बहुत सारे कन्वेंशन हैं जहाँ पर हर एक देश अपने अपने एनवायरनमेंट को लैंड को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें UN के बहुत सारे कन्वेंशन हैं। उसमें एक प्रोविजन होता है कि हर एक कंट्री अपना NDC बनाएगा, हर कंट्री अपना खुद का नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। उसमें इंडिया ने उसके हिसाब से प्रीएम्बल ऐड किया। फिर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह थी जिनको नॉन फॉरेस्ट के पर्पज़ से हटा दिया गया था। नॉन फॉरेस्ट की बात कर रहा है वो, ध्यान से सुनना, जैसे कि जू सफारी एस्टेब्लिश करना, इको टूरिज्म फैसिलिटी, सिल्वी कल्चर ऑपरेशन, है ना, या फिर कोई और चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। क्यों हटाया गया नॉन फॉरेस्ट के पर्पज़ से, नॉन फॉरेस्ट के पर्पज़ पे जब चीज़ें करनी होती है जंगल के अंदर तो उसमें बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कि ये अगर चीज़ें, अगर आपको जू सफारी सेटअप करना होगा, इको टूरिज्म, तो वो नॉन फॉरेस्ट में काउंट नहीं होगा, आप लोग इजीली कर लेंगे, यानी कि उसका अप्रूवल प्रोसेस को इजी कर दिया गया था। फिर कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज थी लैंड की, उन सब पे काम किया था। ये बेसिक कुछ डेवलपमेंट किए गए थे। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि TN गोदावरम जजमेंट की जो चीज़ें थी उनको आप रेगुलरली कंटिन्यू कीजिए, है ना, और इससे फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन निकल के आती, इसका दायरा बढ़ जाता है, इसका एम्बिट बढ़ जाता है। एंड उन्होंने कहा था कि ये रिकॉर्ड बनाइए सभी लैंड रिकॉर्ड्स का, है ना, और इस डेफिनेशन के हिसाब से बनाइए, उसको डिजिटाइज कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पर वो अप्रैल 2024 तक अपडेट हो जाना चाहिए। एंड वो जू सफारी वाला जो था उस पर भी उन्होंने अप्रूवल की बात की थी कोर्ट की, ये एक कोर्ट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा जब तक आप किसी जगह को जू या सफारी में डिक्लेयर करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये तो नॉन फॉरेस्ट के लिए हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, है ना, इस चीज़ में आपको जू और सफारी वाले पार्ट पर कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, देखो फॉरेस्ट लैंड का जो प्रोटेक्शन होगा ना, इसकी डेफिनेशन को अगर कहीं नैरो किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा जो एरिया होगा ना वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम हो सकती है। फिर ये चीज़ 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना उसके साथ कंसिस्टेंट भी थी, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ सकता है। देन देर इज़ अ कंसेंसस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए फॉरेस्ट। अब कंसेंसस मतलब सबकी सहमति है उस चीज़ पर या नहीं। बहुत सारे एक्ट्स में हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन पर बदलाव किए गए थे, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, फिर कोर्ट में कुछ कह रहे हैं, कुछ जजमेंट आ रही थी। अब अगर जो राज्य वगैरह होंगे वो इस चीज़ को, देश राज्य इसको ऐसे इंटरप्रेट करता रहेगा, है ना, तो समय लग सकता है। कि इनफैक्ट जो गोदावरम केस वाला भी जो डेफिनेशन था उसको भी इंप्लीमेंट होने में कितना समय लगा, 28 साल तो हो ही चुके हैं इस बात को। अब हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, वी हैव टू ब्रिंग इन बैलेंस। जनरली फॉरेस्ट के डेफिनेशन पर जो मुद्दा उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है, भाई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो करने के लिए जंगल को सफाई करनी पड़ती है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। फिर एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स एक्टिविस्ट वगैरह आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लगाना पड़ेगा, देन गवर्नमेंट से अप्रूवल, ये दिस एंड दैट, ऑल दोज इश्यूज़। गवर्नमेंट का एम ये है, हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। हाउ डू वी स्ट्राइक दिस बैलेंस, दिस इज़ वेयर ऑल दी एक्सपर्टीज कम्स इन टू पिक्चर, जब ये सारे के सारे मुद्दे उठ के आते हैं। तो वील एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसमें दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो कुछ डेफिनेशन की बात थी, अब जरा इनका ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। प्रिलिम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस में इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पर सवाल UPSC नहीं पूछेगा, पर हाँ ये 2023 के अमेंडमेंट पर सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, रूल्स पर बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। इन द टॉपिक नंबर 5.4 वी विल टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, क्योंकि रिसेंटली
ओडिशा की फोर्थ BHS डिक्लेयर किया गया था। तो ओडिशा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, ये ओडिशा की फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी। तो हम लोग जानेंगे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा, देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, उनके कुछ कंपोनेंट्स, क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एरिया को हम लोग BHS डिक्लेयर करेंगे, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी क्यों करना है डिक्लेयर, है ना, उसको मैनेज करने की कमिटी होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब इस टॉपिक में जानेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जाम, दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैप, यहाँ से सवाल आते हैं आपके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। टिपिकल है, इसमें मैं यहाँ पर याद तो करवा नहीं सकता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैप आपके लिए ज़रूरी है। किस स्टेट में कौन सी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इन पर क्वेश्चंस आए हैं, देर हैव बीन ऑलरेडी, देर आर PYQs, तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो इनको याद करने का तरीका क्या होता है, या तो आप कुछ निमोनिक्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लो, है ना, या फिर आप बैठ करके इनको थोड़ा दो चार बार देखो, जस्ट लुक एट देम, जस्ट एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी, मे बी आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, है ना, सो ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, है ना, लंडोर खोरी, गणेश किंड गार्डन, सुचिसूत्र हिरण्यकेशी, है ना, तेरा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। अब आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो आपको इनमें से किसी न किसी के नाम के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा, सर्टेन थिंग्स यू कैन आइडेंटिफाई बिकॉज यू नो देम, सर्टेन थिंग्स यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज, ठीक है। गोवा के अंदर होगा पूर्व तलई राय, है ना, तो आपको थोड़ा सा बैठ के विजुअलाइज करना होगा, एंड देन इट बिकम्स लिटिल ईजी फॉर यू। तो ये मैप यहाँ पर हो गया। चलो जरा जानने की कोशिश करते हैं पहले तो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है, फिर हम लोग देखेंगे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में भी जानेंगे। सिंपल, एक इकोसिस्टम होता है, है ना, जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो चुका है, ना दिस इज डेफिनेशन, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल मतलब थोड़ा वीक हो गया है। अब वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, वो कोस्टल एरिया भी हो सकता है, इनलैंड वाटर भी हो सकते हैं, मरीन एरिया भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास 2002 का एक एक्ट है जिसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बोलते हैं, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ कंसल्टेशन करती है, फिर वो किसी एरिया को डिफाइन करती है एज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कौन डिक्लेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, किसके साथ डिस्कशन कर रहा है, लोकल बॉडीज के साथ, दिस प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस चीज़ को लेकर के हमारे पास एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फरवरी 2024 तक भारत में 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस। बट UPSC कभी भी आपसे प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेगा कि कितनी है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। मे बी आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, 15-20 दिन में आपका रिजल्ट है, तब तक एक और अपडेट हो गया, है ना, तो और मे बी जिस दिन आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में ऐसा नंबर है, तो ऐसा नंबर वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, बट यू नीड टू हैव एन आइडिया। ऑलराइट, वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि हमें ये बताओ किसी भी एरिया को BHS डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या होता है। दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर आपका प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेचुरल भी हो सकती है, वो सेमी नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर किसी भी तरह का कोई एग्रो इकोसिस्टम होगा वो भी, यानी कि डोमेस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी को भी आप ऐड कर सकते हो, एग्रो सिस्टम भी अलाउड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो वो भी क्राइटेरिया हो सकता है। कल्चरल स्पेस भी हो सकते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं ना, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, जैसे जंगलों में होते हैं ना, वहाँ पर कुछ किसी के देवी देवता होते हैं, जंगल में कोई छोटा सा मंदिर मिल जाएगा, कोई मूर्ति मिल जाएगी आपको, उसकी पूजन किया जाता है ना, उसको सम्मान दिया जाता है, उनको सैक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। वहाँ पर ट्राइबल लोग होते हैं या फिर जंगल के आसपास कोई गाँव होगा, वो उस एरिया में उसका पूजन करते हैं, वो उनके देवी देवता होते हैं, उनके शक्तिपीठ होते हैं वहाँ पर, तो उनको सैक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। ऐसी चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई थ्रेटेंड कोई प्लांट एनिमल कोई भी होगा, उनको अगर कहीं रेफ्यूज मिल रहा होगा किसी एरिया में, ठीक है, तो कोई कंजर्वड एरिया हो सकता है, कोई अर्बन ग्रीन वेटलैंड भी हो सकता है, वो भी BHS हो सकता है। गवर्नमेंट कम्युनिटी प्राइवेट लैंड पर कोई भी लीगल लैंड यूज़ होंगे उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ विच आर नॉट कवर्ड अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें ना भी कवर होगा वो भी हो सकता है। कोई हैबिटेट होगा सीजनल माइग्रेंट स्पीशीज़ के लिए वो भी, एंड ऐसा कोई एरिया जो मेंटेन किया जाएगा बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिसर्च विंग के द्वारा वो भी, और कंजर्वेशन एरिया में कोई मेडिसिनल प्लांट भी। यू सी, क्राइटेरिया बहुत बड़ा है BHS का, तो अगर आपको सारे पॉइंट्स याद ना भी हो तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि यार बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का ना क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा थे, यानी कि दे कैन इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दिस इज़ वन वे टू रिमेंबर द क्राइटेरिया, आप कल को कोई आएगा भी तो आपको यू हैव ए बेटर चांस कि आप ऑल ऑफ द अबव टिक कर दो। जैसे जो लास्ट ईयर एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद तो आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव की जगह आएगा 4 pairs, 2 pairs, 1 of the above, इस टाइप में। तो यू नीड टू बी लिटिल अलर्ट अबाउट दिस थिंग।
अब फ़ायदा क्या होगा किसी भी साइट को अगर हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो, हाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बढ़ेगा, हार्मनी आएगी सोसाइटी में, नेचर में, कंजर्वेशन इंप्रूव होगा, है ना, और जो ओवर एक्सप्लोटेशन जो उनकी बर्बादी की जा रही होती है उस पर थोड़ा सा रोकथाम लगेगी, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। एक कमेटी बनाई जाती है इस एक्ट के अंदर जो इसको मैनेज करेगी, उसमें 7 मेंबर होते हैं, उसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होना चाहिए और 18% शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स होने ही चाहिए। उनका काम क्या होगा, वो एक बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर बनाएंगे, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ऑलराइट, तो उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, देन बेनिफिट शेयरिंग पे काम होगा। बेनिफिट शेयरिंग में काम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आया था नगोया प्रोटोकॉल के साथ, उसमें क्या होता है कि अगर आप वन्य से, जंगल से, जीव जंतु से कोई फायदे की चीज़ उठा रहे होते हैं तो वहाँ के रहने वाली कम्युनिटीज़ जिसके कारण उसको मेंटेन किया गया था, आप उसका होने वाला बेनिफिट कुछ उनके साथ शेयर भी करेंगे। ये चीज़ बहुत हद तक ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, अगर आप वहाँ से ऐसे लोगों के द्वारा मेंटेन किए गए कंजर्व्ड एरियाज़ में अगर आप उस चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आप उसका होने वाले बेनिफिट से कुछ शेयर आप उनको रिटर्न भी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में उनके रोल डिफाइन किए गए थे एंड जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो भी कभी कभी इस पर ऑपरेट करती हैं। तो ये मैप है हमारे पास, ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हो गई, ये आपने स्टेप सीख लिए। अब हम ज़रा देखते हैं गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट वहाँ पर गुप्तेश्वर शिव टेम्पल है उसके पास में लोकेटेड है और ये ओडिशा का सदर्न मोस्ट रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, यहाँ पर सेक्रेड ग्रूव्स भी आपको पाए जाते हैं। अगर हम जानवर की बात करें तो यहाँ पर मगर, क्रोकोडाइल, है ना, देन वी हैव कंगर वैली रोक, गीको, वो छिपकली होती है एक, मायना, वाइट पेलेट वुड पैकर, कुकूज, ये सब पाए जाएंगे। पेड़ों की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्नेक रूट, कुंभी गम ट्री, गार्लिक पेयर ट्री, ये सब पाए जाते हैं। तो इतना जानना काफ़ी रहेगा, है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसे गो थ्रू करना ज़रूरी होता है, कुछ को याद हो जाएंगी, कुछ को याद करने में 2-3 बार रिपीटेशन देना पड़ेगा। सो दिस टॉपिक होल्ड्स मोर रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स। टॉपिक नंबर 5.5 एक छोटा सा टॉपिक है रामसर कन्वेंशन को लेकर के। भारत में अब रामसर की साइट जो है वो 80 हो चुकी हैं, तो रिसेंटली 5 वेटलैंड्स ऐड किए गए थे हमारे इस लिस्ट के अंदर। 1971 में ना रामसर ना एक जगह है ईरान में, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ जाता है। तो एक ट्रीटी है जिसको यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी, तो इसमें फ्रेमवर्क बनाया गया था कि जो वेटलैंड्स होते हैं ना उनका कैसे हम सही इस्तेमाल करेंगे, उनको बचाएंगे कैसे। वेटलैंड को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, ऐसी ज़मीन जो थोड़ी गीली हो, तो एक्चुअल में ऐसी ज़मीन जहाँ पर थोड़ा भी गीलापन होता है ना, उसमें पानी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक में ना बहुत डिटेल में बताया नहीं गया रामसर कन्वेंशन के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में, बट आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। PYQ में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, जो अगर आप PYQ सॉल्व करें ना आपको मिलेगा रामसर कन्वेंशन, देखना आपको मिलेंगे वेटलैंड्स, यू विल बी सरप्राइज कि इस पर ऑल्टरनेट ईयर्स पर क्वेश्चन बन के आते हैं। तो 1982 में इंडिया ने भी इसको साइन किया था। भारत में तमिलनाडु के पास मैक्सिमम साइट्स हैं और वेटलैंड में अगर आपको उसके ना 9 क्राइटेरियाज हैं, तो 9 में से अगर एक भी मैच कर जाता है ना तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हो कि ये वेटलैंड है इस तरीके से। अब जरा 5 जो नए हैं उनका जरा देख लेते हैं, तो 3 अभी कर्नाटका में ऐड किए गए हैं और 2 तमिलनाडु में। कर्नाटका में कौन सा, तो अग्रनाशिनी एस्चुरी है एक, है ना, ये अग्रनाशिनी रिवर है और अरेबियन सी वहाँ पर बनता है, यहाँ पर फिश फार्मिंग की जाती थी एंड यहाँ पर गजनी राइस फील्ड पाए जाते हैं। मगाड़ी केरे कंजर्वेशन सेंटर है, ये भी एक इंसानों के द्वारा बनाया गया एक वेटलैंड है, यहाँ पर रेन वाटर को स्टोर करते हैं। देखो इंसानों के द्वारा भी, अगर आप इंसानों ने कोई गड्ढा भी खोद दिया जहाँ पर वो रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, वो भी वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होता है तो। देन कर्नाटका में जो एक और है वो है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये एक विलेज इरिगेशन टैंक है, अगेन ये भी ह्यूमन मेड है, देखो है ना, तो यहाँ पर पेंटेड स्टॉक और ये ब्लैक हेडेड इबिस ये पंछी है, ये आते हैं यहाँ पर। बात करें तमिलनाडु की तो कारावेती बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर पिन टेल्ड डक, है ना, गार्गनी, नदन शॉवलर, कमांड पोचार्ड, ये सब पंछी जनरली हमें पाए जाते हैं, विजिट करते हैं। देन वी हैव लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, शोला रिजर्व आपने नाम पहले भी सुना होगा, तो यहाँ पर ब्लैक चिंड, नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड पिजन, ये सब जनरली आपको पाए जाते हैं। नाम हो सकता है कि कुछ लोग जो नदन इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हो रहे हैं पढ़ना और याद कर पाना, बट कोई नया एडिशन हुआ होता है तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस पर UPSC सवाल बनाएगा, वेरी हाई चांस, और उससे भी 5 हैं तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। क्राइटेरिया वगैरह पर ऑलरेडी आपको PYQs मिल जाएंगे, आ चुके हैं, बट व्हेन इट कम्स टू न्यू नेम्स दे कैन आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो पिछले में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट देखी, यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के रामसर साइट्स देखे,
यू नीड टू रिमेंबर देम. ठीक है, आसान है, घबराना बात हो जाएगा. टॉपिक नंबर 5.6 में वी विल टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आई थी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, बट ये 2022 का स्टेटस है. तो इस तरह के डेटा में पुरानी रिपोर्ट्स ही आती हैं. ये फिफ्थ साइकिल था जिसको NTCA ने कैरी आउट किया था अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर किया. तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द की फाइंडिंग्स एंड वील ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ NTCA. हल्का सा एक बार इंडियन लेपर्ड्स के बारे में जान लेते हैं. तो अगर आप देखोगे, यू कैन लुक एट द पिक्चर, है ना, IUCN स्टेटस इज देयर, ICITES इज देयर, एंड देन इंपॉर्टेंट क्या है ना इसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल वन है. अगर आप देखोगे ना, रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना अमेंडमेंट किए गए थे. उस अमेंडमेंट में पहले 6 शेड्यूल थे, उनको रैशनलाइज करके ना 4 कर दिया गया था, 2 एक्स्ट्रा शेड्यूल्स को रिप्लेस कर दिया गया था. तो इफ़ यू लुक एट द लेपर्ड्स, ये जनरली हमको ट्रॉपिक पिरामिड की पोजीशन में दिखाई देते हैं. अगर आप ये एनिमल वाली पूरी जो कैटेगरीज है ना, जैसे कैट वाली जो कैट फैमिली है पूरी की पूरी, उसमें तो इजिप्शियन कल्चर, अफ्रीकन, इंडियन कल्चर सब जगह पर ही पाए जाते हैं. अगर हम हैबिटेट की बात करें, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इफ़ यू लुक एट दिस लोकेशंस, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये हिमालयन रीजन्स हैं. तो यहाँ पर ही ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें. जाहिर सी बात है कि माउंटेन का इकोसिस्टम मेंटेन करेगा, वहाँ पर अपनी प्रे स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा, यानी कि जिनका ये शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट करने का भी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर, एंड टूरिज्म का भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है. अभी जो रिपोर्ट आई थी ना, उससे पता चला था कि 2018 के मुकाबले अभी तक इनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑलमोस्ट 1% पर ईयर ग्रो कर रही है. एंड राइट नाउ वी हैव 13,874 लेपर्ड्स. मेजरली वी कैन फाइंड देम इन सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स में. रीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर पहले एक PYQ भी आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, टाइगर रिजर्व्स विद द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन. तो नागार्जुन सागर श्रीसलम है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, उसके बाद मध्य प्रदेश का पन्ना एंड सतपुरा है. जैसे इस तरह के फैक्ट्स ना पूछे गए हैं पहले, बट ये जब क्वेश्चन आया भी था तो ये एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तौर पर आया था. इफ़ यू लुक एट द PYQs, जब ये पूरा का पूरा सर्वे रिपोर्ट का NTCA ने किया था, तो NTCA जो था ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में. तो एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई थी. इनका काम था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था ना, उसकी अथॉरिटी पे काम करना. फिर कुछ और भी पावर्स दिए गए थे कि टूरिज्म एक्टिविटीज़ की गाइडलाइंस वगैरह सेटअप करना, है ना, एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि कोई भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. दूसरा जो इंस्टीट्यूशन था वो था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो 1982 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर देहरादून में है. ये भी एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, बट इट ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. तो इनका काम क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लेकर के ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च पर काम करना. इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे लेपर्ड्स को सेव करने के लिए, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर वन है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. तो इसके हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, दिस इज़ अनदर पॉपुलर थिंग. एंड जो 5 बिग कैट्स हैं ना, उसमें से पूमा और जगुआर को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंडियन हैबिटेट में पाए जाते हैं. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंडिया ने मिलकर भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. देन वी हैव द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ऑल्सो. इसमें भी हम लोगों ने इनके जो हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स हैं उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे. तो ये UNDP और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने मिलकर स्टेप लिए थे, बट इसकी जो फंडिंग आई थी वो आई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से. सो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के आगे हम लोग न्यूज इन शॉर्ट में भी देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा. यहाँ से फंडिंग मिलती है एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन को लेकर के. लेपर्ड्स को किस तरह का थ्रेट होता है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इनकी जब ग्रो करेगी तो प्रेशर आएगा एग्रीकल्चर लैंड पर, है ना, लाइफ स्टॉक वगैरह पर. देन वी हैव दिस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो वी हैव हाई, वी कैन एक्सपेक्ट द हाई टेंडेंसी ऑफ देयर हैबिटेट लॉस. देन पोचिंग, शिकार किया जाता है इनके फर के लिए, इनकी हड्डियों के लिए, एंड दी अदर बॉडी पार्ट्स एज वेल. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. अक्सर आप न्यूज़ में देखते हो देर आर सर्टेन वीडियोज़ जहाँ पर ये लोकल एरियाज़ में एंटर कर जाते हैं फ्रॉम दी नियर बाय जंगल्स. तो उनको फिर बाद में जाहिर सी बात है कि खाने के लिए आएंगे, है ना, जंगल भी कट हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण. देखिए जहाँ भी आसपास में बाउंड्रीज होती हैं जंगल की, दे एंटर द सिटीज़. क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जिसके कारण वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. तो इनका वेजिटेशन, इनका हैबिटेट, इनफैक्ट इनकी जो जिसका शिकार करके खाते हैं उनकी पॉपुलेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो दिस इज़ वन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट द लेपर्ड्स इन इंडिया. और ये रिपोर्ट का डेटा आपको याद रखना होगा. इसी का एक सब टॉपिक भी है, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया. सो इसकी भी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही प्रिपेयर की गई थी. अगर आप स्नो लेपर्ड की बात करते हो तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है. पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यू कैन सी मोस्टली उत्तराखंड में पाए जाएंगे, उसके बाद वी हैव हिमाचल प्रदेश, है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लद्दाख में मैक्सिमम पाए जाएंगे 477. देन वी हैव उत्तराखंड,
देन वी हैव दिस हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. अगेन स्नो लेपर्ड है तो स्नोई एरिया में ही पाया जाएगा. 70% ऑफ द लैंड यूज बाय देम इज़ अनप्रोटेक्टेड, यानी कि जिस भी एरिया में ये पाए जाते हैं वो जगह अनप्रोटेक्टेड है अभी. चैलेंजेस क्या हैं? मेजॉरिटी जो इनका हैबिटेट है दैट इज़ इनएक्सेसिबल, वहाँ पर एक्सेस मिल नहीं पा रहा है. टाइगर, ज़ेब्रा, लेपर्ड्स वगैरह पे, इनके ऊपर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है ना, उसको उसकी डिटेक्शन में आ नहीं पा रहे हैं. बल्कि टाइगर आ जाता है, ज़ेब्रा वगैरह आ जाते हैं, बट स्नो लेपर्ड उस सॉफ्टवेयर की डिटेक्शन में नहीं आ पा रहा है. तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है. 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं. हल्का सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा. अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. सेंट्रल एशियन रीजन की बात की जा रही है मेजरली अगर आप देखोगे तो. 2024 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आए थे ना, उसका जो मैस्कॉट था ना वो स्नो लेपर्ड था. मैस्कॉट क्या होता है? एक स्नो साइन, एक सिंबल टाइप का होता है. तो आपने देखा था ना जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसमें शेरा को बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था शीन ने शी, है ना, या फिर शान बोलते हैं लद्दाख रीजन में इस तरीके से. तो मैस्कॉट एक सिंबल होता है, एक रिप्रेजेंटेशन देता है उस पूरे के पूरे इवेंट के बारे में. स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, है ना. तो देयर आर 3 लैंडस्केप अंडर दिस GSLEP. तो इम्पॉर्टेंटली इंडिया में ना 3 लैंडस्केप थे, जैसे कि हेमिस, स्पीति, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूँ. हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में, इजी टू रिमेंबर, कंचनजंगा तवांग जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में. ये एरियाज है लैंडस्केप है जहाँ पर इस तरह के स्नो लेपर्ड्स के एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं. फिर वी हैव दिस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, उसी तरीके से 2014 से ही हम लोग 23 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट भी करते हैं, ताकि लोगों को इनकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक किया जा सके. एक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी था. ब्रीडिंग प्रोजेक्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि इनकी जो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का, इन हेल्दी मैनर वी ट्राई टू कम अप विद सर्टेन आइडियाज़. तो दार्जिलिंग में एक जूलॉजिकल पार्क है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पर एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रन भी किया गया था इनकी स्पीशीज़ को साउथ एशिया में एक्सपैंड करने के लिए. तो ये पहली एक साइंटिफिक एक्सरसाइज की गई थी इनकी पॉपुलेशन को लेकर के. एंड अगेन इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो था वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा था. 2019 के अंदर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया गया था. तो ये हमारा ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का ही हिस्सा है. देन ये इसमें अलायंस किया गया था इन 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ के द्वारा. तो 2013 में एक विशेष डिक्लेरेशन में इस बात की सराहना भी की गई थी. एंडोर्समेंट मतलब सराहना करना. दिस इज़ आर स्नो लेपर्ड, इफ़ यू लुक एट इट, इसका वल्नरेबल स्टेटस है ना. देन अगेन ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है. जो हमारा स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसमें 22 स्पीशीज़ है, उसमें से ये भी काउंट होता है. दिस आर बेसिक थिंग्स अबाउट दम. तो इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए थे कि एक स्नो लेपर्ड सेल क्रिएट किया जा सकता है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट पर कर हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि इसका प्राइमरी फोकस इनकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करना रहेगा. देन वी हैव दीज पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशंस, वी कैन वर्क ऑन देम. और उसके अलावा और भी कुछ सजेशंस है, लैंडस्केप का लेवल मैनेजमेंट, है ना, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर पर हैं उनकी सपोर्ट लिया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये एनिमल्स दे आर लाइक नेचुरल एलिमेंट्स, तो उनका प्रोटेक्शन दोनों कंट्रीज़ को करना बहुत ज़रूरी होता है. और जनरली ऐसे मामलों में दोनों देश आसपास में जो भी बॉर्डर पर जो कंट्रीज़ होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स को. तो वी कैन क्रिएट मोर लाइक बायलेटरल प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद द कंट्री जो भी हमारे बॉर्डर पर हैं, क्योंकि इनका जहाँ पर बॉर्डरलेस एरियाज होते हैं, दे कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, दे कीप जंपिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. सो दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉपिक नंबर 5.7 विल टॉक अबाउट ग्रीन वॉशिंग. ये टर्म आपके PYQ में एक बार आ चुका था, तब से सारी मैगजीन्स जहाँ भी ये न्यूज़ में होता है ना इसको हमेशा यूज़ करते हैं, बट अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है. तो हुआ क्या था, आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का. उस एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लोगों से उनके राय मांगी, उनके कमेंट्स मांगे थे, क्योंकि उन्होंने ना एक ड्राफ्ट निकाला था कि गाइडलाइंस हम कुछ जारी करना चाहते हैं, प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग. दोबारा समझाता हूँ, एक अथॉरिटी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें वो लोग कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जनता से भी उनका ओपिनियन मांग लेते हैं. तो वो लोग चाहते हैं कि हम देश में ग्रीन वॉशिंग को लेकर के किस तरह के निर्देश जारी करें, ये बात हमें जनता से पूछनी चाहिए. और इसके लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया है. ठीक है, बेसिकली आपको अगर ग्रीन वॉशिंग के बारे में पता होगा तो द होल टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी ईजी. जानेंगे ग्रीन वॉशिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं,
हमें इंडिया में क्यों रेगुलेट करने की ज़रूरत है ग्रीन वॉशिंग को, अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए गए थे इंडिया ग्लोबली एंड देन वे फॉरवर्ड। आसान भाषा के अंदर जैसे आपने टर्म सुना होगा ना वाइट वॉश, वाइट वॉश में हम क्या करते हैं, सफ़ेदी जब करते थे ना पहले घरों में, आजकल तो पेंट बोल देते हैं हम, पहले बोला जाता था वाइट वॉश करना, यानी कि सफ़ेदी से पूरे घर को क्लीन कर देना, वो सफ़ेदी हुआ करती, उसमें बाद में कलर मिलाना पड़ता था। आजकल पेंट में तो बहुत से वेरिएशंस आ गए हैं, थिंग्स हैव टर्न कम आउट वेरी बेटर। तो वाइट से वॉश कर देना सिंपल, ऐसे ही ग्रीन चीज़ में वॉश कर देना। वो क्या रहा है ना, कभी कभी आप ग्रीन वॉशिंग में क्या करते हो कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हो, आप ऐसी पॉलिसी बना देते हो जो लगता तो है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में वो उसको इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, यानी कि आपने एक तरीके से उसको ढकने की कोशिश की है, आपने ग्रीन वॉश करने की कोशिश की है उसको, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस होंगी ना, अब इसमें डिफाइन किया जाएगा और इंडिया में हम प्रोहिबिट भी करेंगे। अक्सर ये चीज़ जो ग्रीन वॉशिंग की है ना, ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखी गई थी, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते थे, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही, कह रही कि हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है, सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, बट देन एवरीवन रियलाइज कि ये तो एक ग्रीन वॉशिंग की जा रही है, एक्चुअल में इनका प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है ना। किसी कंपनी की कोई पॉलिसी आ जाती है या फिर गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ को एक टर्म दे दिया गया। तो कोई एडवर्टाइजमेंट आपकी ऐसी है ना, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई एडवर्टाइज़र है, कोई एंडोर्सर है, इन सब चीज़ों पर ही एप्लीकेबल होगा। तो आपको सारे के सारे क्लेम्स डिस्क्लोज़ करने होंगे कि अगर आप एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं कर रहे हो तो आप बताओ कैसे नहीं कर रहे हो, है ना। आप रैंडमली ग्रीन या इको फ्रेंडली या इको कॉन्शियस टर्म का इस्तेमाल अपनी एडवर्टाइजमेंट में आप नहीं कर पाओगे। फिर आपके सारे के सारे क्लेम्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके पास क्रेडिबल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, है ना, किसी थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के माना जाएगा। फ्यूचरिस्टिक एनवायरमेंटल क्लेम्स के लिए कंपलसरी हो जाएगा, है ना। तो ये सब अब आपको आइडिया लग गया ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। इंडिया में इस चीज़ को रेगुलेट करना जरूरी, क्योंकि लोगों का विश्वास के साथ खेला जा रहा है, है ना। गलत तरह की मार्केटिंग की जाती है, धोखाधड़ी की जाती है। 2015 में यूएस की प्रोटेक्शन एजेंसी ने फोक्सवैगन को एक्सपोज किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग क्लीन डीजल कार बना रहे, बट ऐसा था नहीं, सॉफ्टवेयर था उनका। फिर क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दीज प्रोडक्ट्स दे क्लेम कि दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द एनवायरनमेंट बट इट डजंट, है ना। इनोवेशन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, एंड देन सो देर आर मेनी स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर ग्रीन वॉशिंग। जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, BIS, जो जनरली स्टैंडर्ड्स पे काम करता है, उन्होंने इको लेबलिंग को लेकर के बात की थी, है ना। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था हमारा, उन्होंने इस अथॉरिटी के तहत इस पूरे के पूरे मैटर को रेगुलेट करने पर स्टेप्स लिए थे। देन वी हैव एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट्स आए थे, है ना, CSE के द्वारा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की रेटिंग की जाती है कि आप एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हो, कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। ग्रीन बिल्डिंग के काउंसिल के कोड्स भी बनाए गए थे, इंडिया में रेटिंग सिस्टम बनाया गया था कि कोई भी बिल्डिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं उसकी रेटिंग की जाएगी। उसी तरीके से इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल के ऊपर भी UN ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था जो नेट जीरो एमिशन की कमिटमेंट्स को मेजर करेगा। देन ग्रीन वॉशिंग टेक्स प्रिंट करके भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एक इवेंट को, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये टूल था, एक इवेंट स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इसको टूल में कन्वर्ट किया गया था कि हम लोग चेक करेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कहाँ कहाँ ग्रीन वॉशिंग जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसे काम करता है ये, आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो आप बताते हो कि हम लोगों ने पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो इको फ्रेंडली है, इको कॉन्शियस है, ग्रीन है, है ना। बट जब पता करते हैं तो जब चेकिंग की जाती है, सर्वेलेंस पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन होता है, देन एवरीवन रियलाइज कि यार ये तो धोखेधड़ी कर दी इन्होंने, इन तो ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश की। तो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। देर आर सर्टेन न्यू टर्म्स, देर आर सर्टेन न्यू टाइप्स, जैसे कि ग्रीन हशिंग हो गया। अब यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। फ्यूचर में UPSC कैन फ्रेम ए क्वेश्चन कि यार लोगों को हमने ग्रीन वॉशिंग पर सवाल पूछा, क्या इन्होंने और फर्दर एक्सप्लोर किया ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। देर इज समथिंग ग्रीन हशिंग, है ना। आप किसी भी चीज़ की जाँच पड़ताल को से छुपने के लिए ना, आप क्या करते हो, उसके क्रेडेंशियल्स को हटा लेते हो, छुपाने की कोशिश करते हो, हशिंग। ग्रीन रिंसिंग, है ना, जब एक कंपनी अपने ESG को चेंज करती है, उनको अचीव करने से पहले। ESG मतलब हर एक कंपनी ना अपने एक टारगेट सेट करती है कि हम एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, गवर्नेंस को इस तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, बट जब उनको लगता है कि टारगेट तो अचीव नहीं हो पा रहा तो अपने ESG को चेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन रिंसिंग। ग्रीन लेबलिंग, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में सस्टेनेबल नहीं है बट यू मेक दम लुक सस्टेनेबल बाय लेबलिंग देम। ग्रीन लाइटिंग, है ना, अगेन इस तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों की ऐसी अटेंशन खींच लेती हैं, तो जहाँ पर भी उसका एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा उनसे उनकी अटेंशन छीन लेगी, दूसरी तरफ को ध्यान उनका डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ग्रीन शिफ्टिंग, ओके, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी ऑल नो, है ना। कंपनीज आर वर्किंग टूवर्ड दिस, दे आर क्रिएटिंग सर्विसेज, दे आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स विच आर हेल्पफुल टू समवेयर मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। बट कभी कभी क्या कर देती है ना,
कंपनीज़ कंज्यूमर बिहेवियर को भी रिड्यूस करने की कोशिश करती है इनडायरेक्टली, है ना, और वो जिम्मेदारी अपने आप से हटा करके इंडिविजुअल पर डाल देती कि आप चूज़ करोगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। दिस इज़ ग्रीन शिफ्टिंग, अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करके इंडिविजुअल पर शिफ्ट कर देना। देन वी हैव द समथिंग कॉल्ड इज ग्रीन क्राउडिंग। ओके, कभी कभी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कंपनी खुद को एक ग्रुप के बीच में छुपा लेती है, यानी कि वो ऐसा दिखाएगी कि हम इस अलायंस का पार्ट हैं तो हम लोग भी ग्रीन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज का पूरा वो हो गया है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इसका हिस्सा बन गए होंगे ये दिखाने के लिए कि हम लोग भी क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ग्रीन क्राउडिंग। खुद को इस ऐसी चीज़ का हिस्सा बना लो ताकि आसपास के लोगों को विश्वास हो जाए। तो भविष्य में क्या करें इस चीज़ में, तो देखो ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता, जवाबदेही पर बहुत ज़रूरी है काम करना। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन किसी से वेरीफाई कराएं, किसी की क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। देन वी कैन मेक श्योर पीपल आर अवेयर, लोगों को जागरूक करना कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि इस तरह की चीज़ों पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देन देर आर सर्टेन कंपनीज, देन देर वी हैव गवर्नमेंट्स एंड दी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर वी कैन लुक फॉर दी कॉपरेशन विद दी अदर एंटिटीज़। सो सपोज इट इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू इंडिया टू इंडिया, इंडिया टू अनदर कंट्री, देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, देन वी कैन लुक फॉर दी क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। आर दीज टू कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर? One very important thing is if we can bring out certain things to scale up the renewable energy and we can phase out the fossil fuels, this will give the real environmental benefits. So rather than putting the labelings, hai na, doing the shifting, doing the rinsing, doing the hushing, doing the crowding, we can really work on the solid issues, which is phasing out of the fossil fuels. Maximum pollution jo hai, carbon dioxide ka emission, then greenhouse gases ka accumulation hona, majority of that is coming through the fossil fuels. So we can bring up some solid solutions to phase out the fossil fuels and this will be more than helpful. Phir logon ko aise cheezon par jaane ki zarurat nahi padegi. They don't need to make a false allegation like this, hiding things. So prelims point of view se very very important topic. In the topic number 5.8 we will talk about the climate and clean air conference of 2024. तो रिसेंटली CCAC की एनुअल मीटिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी केन्या के नैरोबी में। तो UNEA का 6th सेशन था ये, एंड इसमें उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से हमारा जो ग्लोबल मिथेन प्लेज है उसको हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली स्केल अप कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के कुछ आउटकम्स से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एंड मेजरली क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, फिर सेक्टर वाइज इसके सॉल्यूशंस क्या बताए गए। लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। जनरली ये चीज़ इस तरह के फैक्ट्स प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे आपसे। तो वैश्विक स्तर पर एक अलायंस है ना, एक समझौता किया गया था कि किस तरीके से ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी UNEP के द्वारा, और इसमें इंडिया ने इसको 2019 में ज्वाइन किया था। अभी तक 160 गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के इस ग्रुप को एक्सपैंड किया है। ग्लोबल मिथेन प्लेज है उसके लिए एक सेक्रेटेरिएट का फंक्शन का काम करता है ये, एंड COP26 में GMP को स्टार्ट की गई थी, जो ग्लोबल मिथेन प्लेज था उसकी शुरुआत की गई थी COP26 में। तो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में जो बात की जा रही है ये क्या होते हैं, ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में शॉर्ट पीरियड, मतलब फॉर ए मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं, है ना। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उससे भी कम टाइम पीरियड तक रहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हार्मिंग द एनवायरनमेंट इनका पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब चीज़ दिखने में छोटी है, छोटा पटाखा, वो वाली बात होती है ना, दिखता छोटा लेकिन बसता फिर धमाका बहुत करता है, ये वो वाली चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, जैसे कि ब्लैक कार्बन हो गया, सूट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में 4 से 12 दिन तक टिकता है, 4 से 12 दिन में बहुत नुकसान कर देगा। मीथेन हो गया, ये 12 साल तक टिकता है। देन ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक टिक सकता है ये, है ना। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये 15 साल तक टिकते हैं। सबके अपने अपने ओरिजिन भी होते हैं। कार्बन, ब्लैक कार्बन सूट कहाँ से निकलेगा? फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, वेस्ट बर्निंग। मीथेन वी ऑल नो, एग्रीकल्चर, फॉसिल। आगे भी एक टॉपिक में हम लोग मीथेन के बारे में थोड़ा सा और जाने की कोशिश करेंगे, जो मीथेन एमिशंस का ही नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पर मीथेन को और डिटेल में कवर करेंगे। देन
एक चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंटली, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जब बहुत सारे हमारे जो VOC होते हैं ना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जब सनलाइट से मिलते हैं ना, तब हमारे एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। तो ओजोन इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, आप सब लोग जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिस तरीके से हमारा ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा था, तो उसमें रेफ्रिजरेशन, AC है ना, फोम्स, एरोसोल प्रोपेलेंट, इन सबसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है, बट ग्लोबल वार्मिंग में स्मॉल साइज़ के जो ये कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऑल दिस SLCPs, क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दे आर वे मोर हार्मफुल, सेकेंड नंबर पे आते हैं आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन का नुकसान पहुँचाना है ना, उसके अलावा इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूशन, वेदर के पैटर्न्स चेंज करना, बर्फ़ को पिघलाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर में उनकी क्रॉप की रिप्रोडक्शन ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में इनका हम रिडक्शन कैसे कर पाएंगे, तो हम लोग एनएरोबिक डाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो लाइफ स्टॉक वगैरह होता है, लाइफ स्टॉक मतलब हमारे गाय, भैंस, भेड़ बकरियाँ वगैरह जो होती हैं, तो उसमें हम लोग किसी तरीके से एनारोबिक डाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि उनका मीथेन एमिशन्स ही ना हो, है ना। एंड एग्रीकल्चर में ओपन बर्निंग की जाती है कभी कभी, जो फार्म में जो चीज़ें रह जाती हैं, है ना, जैसे पराली वगैरह रहती है ना, जिसके कारण दिल्ली में भी जो पोल्यूशन होता है, दे आर सेइंग कि उसको ओपन में बर्न ना किया जाए। तो उसके भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, उनको एक पूरा का पूरा आइसोलेटेड बॉक्स में भी बर्न किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स में वी कैन गो फॉर प्री माइनिंग डीगैसिफिकेशन, यानी कि डीगैसिफिकेशन से क्या करते हैं कि बहुत सारा पोल्यूशन कम हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल वे। ये टॉपिक तो हम लोगों ने आई थिंक प्रीवियस मैगजीन में किया था डिटेल में थोड़ा सा कवर। फ्लेयरिंग एफिशिएंसी, तो जनरली ब्लैक कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स की फिल्टर, ये जब ज़मीन से तेल निकलता है ना, तो क्रूड ऑयल होता है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं फिल्ट्रेशन के, उसके बाद उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उससे डीजल निकलेगा, उससे तो पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम से फिर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उसकी एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं। वेस्ट के मामले में, जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट होता है, उसका सेग्रीगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे मीथेन कम हो जाएगा। एंड म्यूनसिपल वेस्ट कलेक्शन को और बेहतर किया जा सकता है। घर में जो हम ट्रेडिशनल कुकिंग करते थे ना, चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ जला करके, उससे बहुत नुकसान होता था, तो वी कैन यूज़ द क्लीन बर्निंग मॉडर्न फ्यूल ना, कुक स्टोव वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले आर वे मोर यूज़फुल एक्चुअली, उनसे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता और कुकिंग भी बिल्कुल सेम उसी लेवल की होती है। फिर हम लोग इस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें लो सल्फर डीजल का इस्तेमाल हो ना, तो एमिशन स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग ब्लैक कार्बन, Euro 6 के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे इंडिया में भी भारत 6 स्टेज के स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो डीजल वगैरह के लिए हम लोग Euro 6 की स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल स्टेप्स इनका हम इस्तेमाल करके इस तरह के शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें उन्होंने यही बात की थी कि क्लीन एयर फ्लैगशिप की शुरुआत की थी, कि क्लाइमेट में होने वाले बदलाव में हम लोग कैसे कोऑपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सब मिलकर के आपस में किस तरह से इस तरह के गोल को अचीव कर पाएंगे। यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड दी एनवायरमेंट, तो एक रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया था कि कैसे हम लोग ऐसे व्हीकल जो पुराने हो चुके हैं, उनसे ज़्यादा ये पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक असेसमेंट भी करना पड़ेगा इन चीज़ों का, जो यूटिलाइज जब बेसिकली जब ये निकलते हैं द SLCP, इनका पूरे के पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी पर एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, इवन जो ट्रैफिक जैम्स लगते हैं ना, ट्रैफिक जैम्स का भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। अगर आप उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखोगे ना, तो वो मिलियंस में जाता है, मतलब मिलियंस भी मैं शायद कम ही कह रहा हूँ, बिलियंस में जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक असेसमेंट। फिर हमने कुछ इस तरह की चीज़ों पे भी काम करने की कोशिश की थी, कि जैसे कि हम लोग हजारडियस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, है ना, इकोनॉमिक केस क्रिएट करके। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे स्टडी करना पड़ेगा, तो ये सब आउटकम्स निकल के आए थे इस कॉन्फ्रेंस से, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स रेलिवेंट फॉर योर एयर पोल्यूशन के बारे में मेजरली। तो जनरली आपसे प्रीलिम्स में ही पूछेंगे, और इस तरह की चीज़ें आपसे खास करके प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं, है ना, ये चीज़ आपके लिए पूछ ली जाएगी प्रीलिम्स में। इम्पैक्ट तो आप एक दो बार टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, एनवायरनमेंट वाले, पोल्यूशन वाले, तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, आप इतना समझदार हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, 3-4 महीने तक में इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, है ना, बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सिंपल। टॉपिक नंबर 5.9 में वी विल टॉक अबाउट द मिथेन एमिशंस। तो एक
एनालिसिस पेपर निकाला गया था इसरो के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया था कि मल्टीपल लोकेशंस पे सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने मीथेन एमिशंस को स्टडी करने की कोशिश की थी। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, फाइंडिंग में क्या कुछ मिला, मीथेन होता क्या है, और अगर स्पेस से हम लोग किसी चीज़ को मॉनिटर करते हैं इस तरह से सिचुएशंस को, तो इट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस। आई थिंक बेसिक हमें ऐसे करना चाहिए कि मीथेन क्या होता है, है ना। तो नेचुरल गैस में प्राइमरली हम लोग मीथेन का ही इस्तेमाल करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होता है, और व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट लिव्ड है, है ना, थोड़े समय के लिए रहता है, लाइफ टाइम ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास तक का होता है। ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा होता है, है ना, तो वो भी कब, जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है उसके बाद। मेजरली कहाँ से आता है ये, एग्रीकल्चर से 40%, फॉसिल फ्यूल से 35%, सॉलिड वेस्ट और वेस्ट वाटर से 20%, तो और बच गया 5% वो बाकी चीज़ों से। अगर हम लोगों ने जो राइट नाउ टेक्नोलॉजीज इन पे काम कर रहे हैं उनसे काम करते रहे, तो वी विल बी एबल टू रिड्यूस दिस बाय 45% इन द कमिंग 6 ईयर्स, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन टेक्नोलॉजीज पे लगातार काम करते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हेन इट कम्स टू स्पेस बॉर्न मॉनिटरिंग, यानी कि सैटेलाइट की हेल्प से जब हम इस गैस का एमिशन मेजर कर रहे होते हैं, तो सैटेलाइट स्कैन करता है वो, सिंस ये ग्रीन हाउस गैस है तो इट हैज़ अ टेम्परेचर, तो उसकी थर्मल रीडिंग की जाती है, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड एमिशंस के सोर्सेज होते हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, डिस्पोजल साइट्स, है ना, बाकी इंडस्ट्रीज, माइनिंग एरियाज, तो चीज़ें बदलती रहती हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द न्यूज़। इसका हमने देख लिया कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 80 टाइम्स ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अभी जो स्टडी थी ना, इसमें डेटा लिया था हम लोगों ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी मदद ली थी और हम लोगों ने नासा की भी मदद ली थी। तो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एमिट, अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या करता है, सरफेस के ऊपर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना उनकी स्टडी करता है। एंड पेपर में पता चला था कि ये जो स्पेस बॉर्न मॉनिटरिंग सिस्टम्स है ना, ये इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मीथेन के सोर्स पॉइंट्स को। तो पेपर में और क्या चीज़ें निकल के आई थी, 17 यूनिक प्लूम्स आइडेंटिफाई किए गए थे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और असम, यानी कि वो रीजन्स हैं जो हॉटस्पॉट हैं, यहाँ पर मीथेन का मिशन ज़्यादा पाया गया था। सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल साइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो एरिया थे जनरली जहाँ पर मिशन ज़्यादा देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं 1999 से 2000 की और 2015 तक के टाइम की, तो जो नेट एनुअल एमिशन था ना वो इंक्रीज़ हुआ है, खास करके जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मतलब म्यूनसिपैलिटी का जो घरों से जो वेस्ट निकल रहा होता है ना लैंडफिल्स में जाता है, तो पहले वो 404 गीगाग्राम हुआ करता था ईयर 2000 में, 15 साल में वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स चला गया है, 1084 गीगाग्राम हो गया। और ये चीज़ ना ओवरऑल कार्बन एमिशन में कॉन्ट्रीब्यूट ही करता है। तो इंडिया के अंदर जो कार्बन कमीशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन इसने दिया है वो 14% का दिया है, 14.5 भी कह सकते हो आप इसको, है ना, क्लोज टू दैट। तो ये इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस के तौर पर काम करता है और ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। हम लोगों ने सोर्सेज भी देख लिया, एग्रीकल्चर भी देख लिया, लाइफ स्टॉक रियरिंग, राइस कल्टिवेशन, नेचुरल गैस, ऑयल गैस फील्ड, माइनिंग, डंप साइट, लैंडफिल्स एंड एवरीथिंग। सो टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, अगर पैडी फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर में हमने देखा था, सी दिस इज़ कमिंग फ्रॉम ए PYQ, पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि राइस से जब हम चावल की खेती करते हैं तो क्या उससे मीथेन एमिशन होता है क्या, ऐसा कुछ एक PYQ था प्रीलिम्स का। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी निकरा के द्वारा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, ICR आता है निकरा के अंडर। एक था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ओके। तो क्या करते हैं कि हम लोग ना जब पौधे बहुत छोटे होते हैं ना, यंग राइस सीडलिंग्स, उनको हम लोग एक स्क्विड ग्रीन स्क्वेयर के पैटर्न में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उसकी जो ईल्ड होती है ना, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, वो बढ़ जाती है और उसको पानी भी कम देना पड़ता है, तो बेनिफिट हो जाता है इरिगेशन में। एक होता है डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि सीधा बीज लेकर के ज़मीन में बो देना, ये चीज़ भी आपके न्यूज़ में पहले बनी हुई थी, करंट अफेयर्स में थी ये पहले काफ़ी, DSR सिस्टम के बारे में, क्योंकि पंजाब में इसका बहुत यूज़ किया गया था कोविड के टाइम के आसपास। तो इसमें किसी नर्सरी की, पडलिंग की, ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, है ना, और इसमें स्टैंडिंग वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं।
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग सैटेलाइट से स्टडी कर रहे हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे. एक तो बहुत बार एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, वो स्टडी में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है ना. जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होते हैं ना, उसमें वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वाटर वेपर के साथ दूसरी गैसेस भी आ सकती हैं, है ना. देन देर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रोपोमी, है ना, स्कीमैकी, एयर गोसेट, ये सब मीथेन को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए थे. बट इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्मॉल स्केल के सोर्सेज को डिटेक्ट नहीं कर पाते. ग्राउंड बेस वैलिडेशन के लिए अब ऊपर से आपने डेटा को स्टडी तो कर लिया, बट यू नीड टू वैलिडेट ऑल्सो ना. आपको ज़मीन पर भी चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं, है ना. अब उसका सोर्स को एक्चुअल में डिटरमाइन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एडिशनल डेटा चाहिए. इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, वो किस हद तक डिटेक्ट कर सकते हैं, कितना सेंसिटिव हैं, है ना, हाउ मेनी स्पेसिफिसिटीज़ आर गिवन टू देम. एटमॉस्फेयर के अंदर भी हो सकता है कि कभी कभी क्लाउडी हो जाएगा, तो मीथेन का स्टडी हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एटमॉस्फेरिक इसका लाइफ टाइम भी कम ही होता है. टेम्पोरल मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वही लाइफ टाइम जब इसका कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम और स्पेस के हिसाब से डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. बैकग्राउंड मीथेन कॉन्सेंट्रेशन, सो सर्टेन थिंग्स आर चैलेंजिंग, है ना. फॉर स्मॉल एमिशंस दे हैव द हाई बैकग्राउंड मीथेन कॉन्सेंट्रेशंस, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. वे अहेड में एक सिंपल चीज़ है, डेटा इंटीग्रेशन. द मोर डेटा वी हैव द मोर वी कैन फोकस, द मोर वी कैन कंबाइन द डेटा, है ना. देन देर आर सेंसर टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे देन वी कैन डेफिनेटली कम अप विद बेटर सॉल्यूशंस. एंड जो भी टेक्नोलॉजीज में लिमिटेशंस अभी तक की देखी हम लोगों ने, इन चीज़ों को विद टाइम इनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी हमको. इन द सेम टॉपिक देर हैव बीन सर्टेन ग्लोबल इनिशिएटिव्स टेकन टू रिड्यूस द मीथेन एमिशंस, जैसे कि IMEO, ये UNEP का ही था, और इसमें दे हैव मार्स, ये मीथेन का एक रिस्पॉन्स सिस्टम है. तो ये पहला ग्लोबल सेटेलाइट डिटेक्शन सिस्टम था. देन GMP हम लोगों ने बात भी की थी रिसेंटली, इसमें टारगेट हम लोगों ने रखा था कि 2020 से 2030 तक हम लोग 30% तक एमिशन को रिड्यूस करेंगे. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के द्वारा ये साइन नहीं किया गया अभी. देन 2014 में वी केम अप विद ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप इनिशिएटिव, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था UNEP का एंड CCA का. देन ग्लोबल मीथेन अलायंस, ये भी अगेन UNEP का था. इफ़ यू लुक एट थिंग्स ना, द मेजर इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय UNEP. इंडिया ने भी काम किया था इसके ऊपर. वी केम अप विद नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वी केम विद गोबर धन स्कीम, गैल्वनाइजिंग द ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. देन वी हैव द न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम. मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन. सो मीथेन अगेन होल्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रिलिम्स सेक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई थी आई वुड से. पॉल्यूशन के मामले में होल्ड्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्लेस. इन द टॉपिक नंबर 5.10 वी विल टॉक अबाउट द सोलर रूफटॉप पावर. तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए. तो 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे. अब सोलर रूफटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या है ये स्कीम, इसके अलावा सोलर एनर्जी को कैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बाकी चीज़ों को भी जानेंगे. ओवरऑल ये क्या सिस्टम होता है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं एंड देन वे फॉरवर्ड ऑल्सो. पहले सिस्टम को ही समझ लेते हैं. फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाए जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग की छत के ऊपर. उसको मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा. इसमें फिर बहुत सारी चीज़, इसमें सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर, बाकी कंपोनेंट्स वगैरह भी होंगे. क्या करेगा ये रूफटॉप पैनल, सनलाइट से एनर्जी लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाएगा. इंडिया में ऑलरेडी ये चीज़ 11 गीगावाट तक की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 11 में से 2.7 रेजिडेंशियल सेक्टर में है. गुजरात में 82% इंस्टॉलेशन हैं, उसके बाद फिर महाराष्ट्र और राजस्थान में. तो ये आपको समझ में आ गया, सूर्य से बिजली बनाता है फिर उसको सप्लाई में ऐड कर देता है. अभी जो स्कीम है, इस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे 300 यूनिट्स को हर एक महीने 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को. कैसे, जानने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली आप अपने घर में ही सिस्टम लगाओगे, आप बिजली को सप्लाई कर दोगे, तो गवर्नमेंट अप टू 300 यूनिट्स आपका फ्री कर देगी. फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इसको सेटअप करने के लिए, यानी कि अगर आप 1 से 2 किलोवाट की कैपेसिटी का लगाते हो तो आपको 30,000 से 60,000 तक की सब्सिडी का सपोर्ट मिलेगा. 2 से 3 किलोवाट में 60,000 से 78,000, और 3 किलोवाट के ऊपर का लगाते हो तो गवर्नमेंट आपको 78,000 की सब्सिडी का सपोर्ट देगी. ऑलराइट, और अप टू 3 किलोवाट में आपको 7% तक के मतलब इंटरेस्ट लोन फ्री
लो इंटरेस्ट लोन कोलेटरल फ्री मिलेगा। कोलेटरल फ्री मतलब होता है कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी आपको, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स, आपको कोई सैलरी अकाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बेसिकली आपको लिए चीज़ें ईज आउट करने के लिए, ताकि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो। होता क्या है ना, ये देखो, ये होते हैं सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, ठीक है, ये छत के ऊपर पैनल लगाया होता है, एक सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह भी होता है जो उसको डैमेज होने से बचाता है, दैट्स नॉर्मल। ये मीटर्स होते हैं, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल मीटर्स होते हैं, यानी कि ये बिजली को सोलर से अंदर लेंगे और उसके बाद फिर आपके घर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये मेन सप्लाई में भी दे सकते हैं। एक सोलर इन्वर्टर होता है, वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो पैनल की होगी उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि बिजली आपके घर में छत पर प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है, सोलर इन्वर्टर में जाएगी, दिस इज सोलर इन्वर्टर, फिर वो मीटर में जाएगी, मीटर से वो दोनों जगह जा सकती है, ओके, ग्रिड में भी जा सकती है और घर में भी। तो ग्रिड में एक्स्ट्रा ग्रिड में चली जाएगी, बाकी जितनी घर में रिक्वायरमेंट होगी उतनी घर में आ जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत मॉडल सोलर विलेज भी बनाएगी, है ना, लोकल बॉडीज़ को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे, नेशनल पोर्टल क्रिएट किया जाएगा। फिर उसके अलावा इसके लिए रेस्को, रेस्को इज़ यहाँ पर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनीज, तो फंडिंग वगैरह के लिए। इस स्कीम का फ़ायदा क्या होने वाला है ना, 1 करोड़ फैमिलीज़ एनुअली 15,000 करोड़ रुपये सेव करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। फिर इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको हम लोग डिस्कॉम बोलते हैं, उनको एडिशनल सरप्लस पावर मिल जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ घरों से जब सप्लाई आ रही होगी एक्स्ट्रा सप्लाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए प्रोड्यूस करने का लोड कम होगा। फिर हम इस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, 30 गीगावाट तक और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंड जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़, तो एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब पे काम होगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 720 मिलियन टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रिड्यूस होगा। तो देर आर मल्टीपल बेनिफिट दैट द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम भी है, एक पीएलआई स्कीम भी है, मैंने पीएलआई स्कीम आप लोगों को जस्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। सोलर पार्क स्कीम है, उसमें पार्क्स क्रिएट करना, मतलब कि लार्ज स्केल पे चीज़ों को बनाना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो यू सी, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद मल्टीपल प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम भी नहीं है, मल्टीपल है। तो इस तरह की स्कीम्स के मल्टीपल नेम्स वगैरह जो होते हैं ना, ये आपको मेंस में लिखने होते हैं, यू हैव टू शो द इनिशिएटिव्स टेकन सो फार, वहाँ पर आपको दिखाना होता है ये सब। इसमें ना प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा आती है वो ग्रिड को, ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने में, कितना स्टेबल रहेगा एनर्जी को, स्टोरेज कहाँ करोगे, है ना, क्योंकि पता नहीं ना कितनी प्रोडक्टिविटी रहेगी, सूर्य कब निकल रहा है, बारिश के मौसम में कंपैरेटिवली चीज़ें कम होगी, देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर सनलाइट उतनी अवेलेबल नहीं होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, R&D पे बहुत पैसा लगता है, डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं ज़्यादा, उनका पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली लो देखा गया है। नेट मीटरिंग भी काफ़ी कम, नेट मीटरिंग का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो आपका रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होगा ना, वो किस तरीके से डिलीवर करेगा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, और उस चीज़ को लेकर के किस तरह के लाइसेंसेस वगैरह आपको मिलेंगे, तो उसमें अभी तक पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम देखने को मिला है। लोगों में जागरूकता नहीं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इस तरह के सिस्टम्स, इस तरह की स्कीम्स स्कीम्स अवेलेबल हैं। यू वॉन्ट बिलीव मी, देर इज़ एक न्यूज़, एक वीडियो भी आप देखोगे यूट्यूब पर, थोड़ा सर्च करोगे, राजस्थान में देर इज अ पर्सन, ही इज़ अर्निंग ऑलमोस्ट कितना, आई थिंक 4 लाख पर मंथ, 4 लाख के आसपास वो आदमी पर मंथ कमा रहा है, और उसका एक्सपेंस पता है कितना है, कुछ भी नहीं करता वो आदमी, मतलब उसने अपने खेत में ज़मीन पर ये चीज़ें लगा दी थी, अब वो क्या करता है, वो अपने मस्त रहता है कुछ करता ही नहीं है, जितनी बिजली पैदा होती है वो ऑटोमेटिकली उसने सिस्टम क्रिएट कर रखा है। उसका दिन में एकमात्र जो काम होता है ना, वो होता है कि कुछ 1 घंटे के अंदर ये जो पैनल्स होते हैं ना, फोटोवोल्टिक पैनल्स, इन पे पानी की पाइप से ना, उनके ऊपर जो धूल चढ़ जाती है दिन भर में, वो धूल को साफ़ करता है वो, और उसने उस काम के लिए भी एक बंदे को लगा लिया है, एक वर्कर हेल्पर उसने वहाँ पे रख लिया है, उसको महीने के 5,000 रुपये दे देता है बस। और उसने ये चीज़ लोन पे ली थी पहले, पूरी की पूरी, उसका लोन ईजिली चुका रहा है वो, अर्निंग वो प्रॉफिट में है वो, 1 साल के बाद ही वो बंदा प्रॉफिट में चला गया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, दीज आर द सिस्टम दैट यू कैन क्रिएट नाउ एंड यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर दैट, बट देर इज अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ द सैलरी। तो अगर आप लोगों में किसी के पास ऐसी जगह है, ज़मीन है, पता करो, स्कीम को डिटेल में पढ़ो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओ, बैंक से पता करो कितना लोन मिल जाएगा, कितना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, अरेंज द मनी, है ना, सेटअप करो चीज़ें, पैसिव सोर्स क्रिएट करो ना, सारा दिन मतलब दिमाग को कहीं ढंग से डायरेक्शन में चलाओ, ताकि आप कहीं पर भी जाओ फ्यूचर में, यू विल हैव अ बैकअप, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप आपका रहे सोर्स ऑफ इनकम के लिए।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अप्रूवल के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, उस चीज़ को थोड़ा टाइमली कर सकते हैं एंड चीज़ें कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही हैं उनके लिए वी कैन हैव द थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स एज वेल। ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर सकते हैं ना, जो पीक सनशाइन आवर्स होते हैं उसमें हम लोग वी कैन मेक श्योर कि ग्रिड की अवेलेबिलिटी पे है ना, देन नेट जो मीटरिंग पॉलिसीज वगैरह हैं उसमें जो भी लिमिटेशंस है वी कैन रिमूव देम, वी कैन क्रिएट अ सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो मल्टीपल थिंग्स कैन बी डन इन दिस सेक्शन। दिस टॉपिक हैज़ रेलिवेंस फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जाम। इंटरव्यू का ऐसा इसमें मे बी दे कैन आस्क, मे बी दे नॉट इंटरेस्टेड, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, यानी कि आप इस तरह की खेती कर रहे हो जिस पर क्लाइमेट में होने वाले बदलाव का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो बहुत हद तक अपने आप को अडेप्ट कर पाएगी। तो एक रिपोर्ट आई थी एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। मेजर आइडियाज़ रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का था कि हम इस चीज़ को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो की हाइलाइट्स जानने से पहले हम लोग ज़रा देखते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके चैलेंजेस एंड एग्रीकल्चर क्लाइमेट के बारे में भी। तो किस तरह से आपकी जो फसल जो क्रॉप होगी वो अडेप्ट कैसे करेगी, बदलाव कैसे लेके आएगी, क्लाइमेट का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था उसको वो रिड्यूस कैसे करेगी, मिटिगेट करने का मतलब होता है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, एंड उसके अलावा भी पूरे के पूरे सिस्टम की कैपेसिटी को आप कैसे इंक्रीज़ करने वाले हो, है ना, हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी कि वो आने वाले किसी भी तरह के शॉक को झेल पाएगा, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसेस को झेल पाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा उसमें आपको सब। अब देखो एग्रीकल्चर क्लाइमेट में यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द लैंड, द वाटर, द सोइल, द जेनेटिक रिसोर्सेज, एवरीथिंग, ऑल दीज सेक्शंस, ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड। अब नंबर वन हंगर एंड पॉवर्टी, है ना, तो हम लोग यहाँ पर बहुत हद तक फूड सिक्योरिटी को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो किस लिए है, देश में भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, है ना। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन और फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन को दोनों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर का क्लाइमेट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो एमिशंस की जब हम बात करते हैं उसमें से 14% तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा होता है। अब उसमें मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसके अलावा भी कैसे आता है, फर्मेंटेशन के द्वारा, राइस कल्टीवेशन, है ना, फर्टिलाइज़र से भी आता है, मेन्योर से भी आता है ना, बहुत सारा जो हम लोग बर्निंग वगैरह करते हैं वो जनरली आप देखते हो ना कि जैसे दिल्ली का जो पॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा में जो बर्निंग वगैरह की जाती है, मतलब आफ्टर फसल करने के बाद जो रेजिड्यू रह जाता है, जो बच जाता है उसको जलाते हैं, है ना। तो उसमें यहाँ पर डेटा बता रहा है कि उसकी वजह से फील्ड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू 2.2% है। मेजरली इट इज़ अबाउट द फर्मेंटेशन, राइस कल्टीवेशन, है ना, एग्रीकल्चर की सॉइल से भी तो निकलता है ना नेचुरली। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट ने क्या कुछ बताया। तो रिपोर्ट ने बताया कि 1901 से 2018 तक, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं तकरीबन 118 सालों की, टेम्परेचर जो था ना उसका एवरेज 0.7 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट हमारा जो इंडियन ओशन है उसका भी जो सरफेस टेम्परेचर था वो भी 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो गया है, बट ये वाली चीज़ जो है ये पिछले 65 ईयर्स में देखने को मिली थी। रेनफॉल में भी हमें बदलाव देखने को मिला था, तकरीबन 6% तक हमारी रेनफॉल इंक्रीज़ हुई है पिछले 65 सालों में, है ना। सेंट्रल इंडिया, साउथ वेस्ट कोस्ट, इन सब पर हमारे जो ड्राउट्स थे वो इंक्रीज़ बढ़े हैं, हमारे सूखापन बढ़ा है। तो अगर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया में वी कैन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, साउथ वेस्ट कोस्ट, साउथ वेस्ट कोस्ट कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट घाट वाला पूरा रीजन वहाँ पर जो है, सदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला में वी कैन काउंट कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला ऑल्सो, इवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ऐसा देखने को मिला था कि वहाँ पर भी सूखा पड़ने को पाया था। अब इस तरह की क्रॉप का भारत की एग्रीकल्चर पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले अगले कुछ सालों में, आने वाले 26 सालों में, है ना, इन द नेक्स्ट 26 ईयर्स हमारी कुछ फसलें जैसे कि राइस, वीट, खरीफ की जो बाकी जो हमारा मेज़ होता है ना, मक्का, भुट्टा बोलते हैं, इसका यील्ड मतलब हो गया प्रोडक्शन कम होने वाला है। फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे एप्पल, है ना, बाकी जो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं और टमाटो, अनियन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है ना, इन पर भी इम्पैक्ट देखने को ज़रूर ज़रूर मिलेगा। इनके जोन शिफ्ट हो सकते हैं, एप्पल का जोन अभी जनरली आपको क्या दिखाई देगा, उत्तराखंड, हिमाचल वाला, है ना, कश्मीर वाला, पहाड़ी इलाके जहाँ ठंड होती है, तो हो सकता है कि जोन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, यानी कि उस रीजन में इनकी क्रॉप की यील्ड उतनी ना हो, किसी और रीजन में बढ़ जाए। लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो जो मिल्क का जो लॉस होता है वो क्या होता है, हीट स्ट्रेस के कारण, जानवरों को जब ज़्यादा हीट लगती है ना तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, तो
लॉस हमें कितना देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन के आसपास इतना लॉस देखने को मिल सकता है। अब फिशरीज़, उसके लिए हमारा सी सरफेस टेम्परेचर है, हमने देखा कि पिछले 65 ईयर्स में ये 101 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। तो समंदर के तट पर जो पानी होता है ना, वहाँ पर जो प्लैंकटन होते हैं उस पर कमी देखने को मिलेगी हमें। दैट्स वेरी समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक टू टारगेट हेयर। ये सब डेटा रिपोर्ट ने बताया कि देखो ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने, है ना। इसके अलावा जब हम फार्मिंग की बात करते हैं कि हम ऐसी फार्मिंग की तरफ जाएं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, उसको जब करेंगे तब क्या चीज़ आएगी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती है ना। हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के हिस्सेदारों से बात करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह की हमारी टीम होंगी, सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स मेथड्स होने वाले हैं। आप यही देख लीजिए ना, यहाँ पर हम लाइव स्टॉक को टारगेट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, फिशरीज़, कितने सारे सेक्शन हैं, सबको टारगेट करना पड़ेगा, सबको बातें करनी पड़ेगी। डू वी हैव इनफ स्किलफुल पीपल, हमारे पास लोगों के पास इतनी नॉलेज और ट्रेनिंग है क्या? क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया कि इस तरह के स्किल्स में ना लोगों के गैप होता है, पीपल आर नॉट एबल टू अडेप्ट, मिटिगेशन पर काम नहीं कर पा रहे होते। UNEP की रिपोर्ट आती है, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन रिपोर्ट, उसका डेटा भी यही बात बताता है कि पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव द स्किल्स टू अडेप्ट। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ आएंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, स्ट्रक्चरल लेवल पर भी इशू आ सकते हैं। कितने सीट्स अवेलेबल होंगे क्या, है ना। लैंड होल्डिंग, लोगों के पास जो ज़मीन है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है ना। कैन वी हैव डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, वो इंक्रीज़ करेगा फ्यूचर में। ऑलराइट, अब हो सकता है कि इस तरह की जो हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ अपना रिजल्ट दिखाने में समय लगा दे। मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 15 सालों में रिजल्ट दे, बट इट माइट हैपन इन अनदर 40 ईयर्स। तब तक बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा, तो ये भी एक चीज़ है, बेनिफिट डिले हो सकते हैं। पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप MSP पे आते हो, MSP का मतलब क्या, सरकार बोलती है कि अगर आपका मान लो गेहूं है उसका एक हम प्राइस बता देंगे, उससे नीचे का नहीं बिकेगा, तो किसान को लगता है कि यार कुछ आइटम, कुछ क्रॉप्स हैं 23 क्रॉप के आसपास है, 22+1, तो मैं ये वाली ग्रो करता हूँ ना जिसमें मुझे पक्का है कि इतना दाम में बिकेगा बिकेगा। हो सकता है कि किसान कोई ऐसी फसल का उपज करता हो जो MSP में ना आती, तो किसान सोचेगा यार मेरी वाली जो फसल है MSP में आती नहीं, प्राइस की गारंटी नहीं है, मार्केट में मोल भाव करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके कारण ना मोनोकल्चर वाली प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं, लोग एक दो तरह की फसल पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज समथिंग ऑल्सो हैपन्ड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें वीट और राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस चला गया था, है ना। तो MSP के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सो फार हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए भी थे ना, वी हैव दिस नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फास्ट पार्टनरशिप थी COP 27 पे। सी ये सब के सब ना अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, और सबके सब एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए हैं, सबके सब फूड सिक्योरिटी को टारगेट कर रहे हैं, सबके सब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सबके सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। सो व्हेन एवर क्वेश्चन लाइक दिस कम्स इन योर मेंस एग्जाम ना, तो आप इस तरह के सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, सारे जो मेजर मेजर इनिशिएटिव्स लिखे सबके आप नाम लिख दो, क्योंकि हर आप ये नहीं कह सकते ना कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर काम नहीं करेगा। अरे बिल्कुल करेगा भाई, हम एक बूंद से ज़्यादा फसल यील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, है ना। तो ये मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है। और आगे क्या कर सकते हैं, इन सब के अलावा हम लोगों को ना एक सिंगल एजेंसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, सिंगल अथॉरिटी जो स्पेसिफिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को टारगेट करे। अभी हमारे पास है, वी हैव अ मिनिस्ट्री, वी हैव मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, बट वी नीड टू कम अप विद अ सिंगल एजेंसी जो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी को टारगेट कर रही हो। इसके अलावा हम लोग AI की हेल्प ले सकते हैं, है ना। वी हैव दिस वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, उसकी मदद ले सकते हैं। अब क्या होगा ना, डेटा एनालिटिक्स करने के बाद ना, वी हैव मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, है ना, वी हैव एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमें कुछ ऐसी वैराइटीज़ पे काम करना पड़ेगा क्रॉप की जो ज़्यादा हीट, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर को झेल पाए। उसके लिए हमको R&D पे और फर्दर फोकस करना पड़ेगा, R&D रिक्वायर्ड हैं। अब जानवर होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो फसलें तो खाते हैं, गाय भैंस क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, उनके लिए भी तो चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमको फीडिंग टाइम फ्रिक्वेंसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्निक्स, एवरी ईयर UPSC इज आस्किंग वन क्वेश्चन ऑन वाटर, वन क्वेश्चन ऑन वुमेन, वन ऑन जुडिशरी, वन ऑन इलेक्शन। कुछ टॉपिक्स UPSC के बड़े फिक्स हैं कि इन टॉपिक्स पे हर साल एक सवाल आएगा ही आएगा, जैसे ग्राउंड वाटर पर आ जाता है ना, या तो प्रीलिम्स में तो फिर भी ऑल्टरनेट टाइम आता है, मेंस में तो आता ही आता है, कहीं ना कहीं घुमा के देते हैं, तो GS 1 में देंगे या 2 में देंगे या 3 में टारगेट कर देंगे। फिर बहुत सारी और भी रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, जैसे हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस हैं, ऐसे गांव बनाओ जो बदलते हुए क्लाइमेट को झेल पाएंगे, उनके अडेप्टेशन मिटिगेशन पर आराम से सस्टेन कर सकते हैं। तो उस तरह की मेथड्स को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारी फार्मिंग में भी।
एग्रीकल्चर में हम लोगों को ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन को भी टारगेट करना पड़ेगा, जैसे कि राइस इंटेंसिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसको अगर हम टारगेट कर दें तो 22 से 35 प्रतिशत पानी भी कम लगेगा और जो हमारी उपज होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पंचायत लेवल पर लोगों को जागृत किया जा सकता है ना, सरपंच का जो कॉन्सेप्ट होता है पंचायत का, सरपंच कैन टेक द चार्ज है ना, टेक द लीड टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करना कि भाई इस चीज़ों से ये फ़ायदे ये नुकसान होने वाले हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल ईजी वेज दैट कैन बी टारगेटेड, मेकिंग पीपल अवेयर यूजिंग टेकिंग द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, मेकिंग अ सिंगल नोडल एजेंसी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिकली योर मेन्स, उसमें भी ऐसे भी आ सकता है इस टॉपिक पर ना, अगर आप लोग PYQs देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि इस तरह के टॉपिक से ऐसे भी कैसे बनाए जाते हैं। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दिस 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 5.12, वी विल टॉक अबाउट द इंडियन घड़ियाल। तो ये है वो जानवर एंड दिस इज़ डेफिनेटली फॉर योर प्रीलिम्स और ये आपके PYQ में आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली जो ग्रेटर काजरंगा का रीजन था वहाँ पर 75 सालों के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को घड़ियाल देखने को मिला था। IUCN स्टेटस में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो इसकी प्रोटेक्शन हाईली क्रिटिकल हो जाती है। इसका जो नाम निकल के आता है ना ये घरा से निकल के आता है, राइट, एंड इसके नाक के ऊपर ना एक बल्ब सा होता है एक्चुअली, तो बल्बोज नॉब यू कैन से इट, जो मेच्योर मेल होते हैं सिर्फ उनके पास होता है ये बल्ब। दे हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, दे आर वार्म ब्लडेड स्पीशीज, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो अपने एनवायरनमेंट के जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें। हैबिटेट की बात करें तो ये रिवर वाले रीजन में ज़्यादातर पाए जाएंगे। जो फीमेल्स होती हैं वो अपने जो अंडे देती हैं वो मोस्टली सैंडी रिवर बैंक्स पर देंगी। भारत में वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ब्रह्माणी, बैतरणी रिवर के इसी रीजन में पाए जाएंगे। और अगर हम लोग रीजन की बात करें देन वी हैव दिस इंडिया, देन भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सो प्रोमिनेंटली द एशियन रीजन, इंडिया के आसपास वाला जो रीजन है उसी में पाए जाएंगे। इंडिया में भी मेजरली गंगा, चंबल, गिरवा है ना, राप्ती, नारायणी रिवर जो नेपाल में, वहाँ पर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था 1975 में UNDP और FAO की हेल्प से। सो वी ऑल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज़। भारत में UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ रिजर्व्स भी बनाए गए हैं इनके। देन घड़ियाल की बायोलॉगिंग साइंस के ऊपर काम किया जा रहा था, इनिशिएटिव था, स्टडी थी जापान की और WWF इंडिया की। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो हैबिटेट है वो बदलता जा रहा है क्योंकि वो रिवर पे डिपेंडेंट है, तो रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्सेज, रिवर्स का जो वाटर कैपेसिटी है दैट इज़ डिक्रीजिंग, वो प्रॉब्लम आ रही है। फिर फिशिंग बहुत होती है ना, और उसके अलावा इनके एग्स हार्वेस्ट करने के लिए दे हैव टू फाइंड अ स्पेस जहाँ पर उनकी शिकार भी कर लिया जाता है। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं इनकी स्किन्स वगैरह का बहुत मार्केट में सेल होता है, ब्लैक मार्केट में, तो ये ख़तरा होता है इस तरह के जानवर को। सिंपल इजी टॉपिक प्रीलिम्स का है, PYQ है, पहले भी आ चुका है तो आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ट्रिपल डिप ला नीना। सो विजन की जो मैगजीन होती है ना इसमें एनवायरनमेंट का जो सेक्शन होता है ना इसमें एनवायरनमेंट भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होता है, तो तीनों की तीनों चीज़ें एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर करते हैं। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इसका रेलेवेंस ज्योग्राफी से भी है और इसका रेलेवेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी है, दोनों में है ये। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला था कि भारत के पेनिनसुला में और नॉर्थ में भी देर वॉज दिस अनप्रेसिडेंटेड ट्रिपल डिप लाने, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब इसके बारे में पहले कभी पता ही ना हो, और ट्रिपल डिप लानी ना क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिसेंट डिप था ना ये 2020 से 2023 तक देखने को मिला था। देखो ट्रिपल डिप ना ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, ठीक है, तो बेसिकली दिस लास्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक ये चलता है। और लानी ना क्या होता है, लानी ना आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने अपनी NCERT कंप्लीट की होगी, द मोस्ट बेसिक थिंग है ना। तो ये फेज़ होता है ENSO का, जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है ना उसी का एक फेज़ होता है लानीना। तो हम लोग जानेंगे, यहाँ पर नीचे भी गिवन है पूरा का पूरा डिटेल में, ये डायग्राम्स भी हैं, हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। जनरली मैं ऐसे टॉपिक जो प्योर स्टैटिक के होते हैं आई अवॉइड देम कि भाई ये तो आप अपने स्टैटिक में पढ़ो, यहाँ पर समय बचाओ, बट ट्रिपल डिप वाली जो चीज़ है ना वो गिवन नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। वेरी बेसिक थिंग, ENSO
क्या है, क्लाइमेटिक फिनोमिना है ओशन के टेम्परेचर को लेकर के, है ना। इट्स ऑल अबाउट द ओशन टेम्परेचर। ओशन टेम्परेचर में क्या होगा कि भाई सरफेस का जो पानी होगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठंडा पानी का ना वेट भी ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, कई चीज़ें होती है। तो ऊपर का जो गर्म पानी होगा वो हवा से ना आसानी से मूव कर पाएगा, राइट। अब ये नेसो जो है ना, इसके तीन फेज़ होते हैं। हम बात करेंगे लानीना के बारे में, राइट। तो सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो, एक तो होता है नॉर्मल कंडीशन, ओके, एक होगा फिर लानीना, एंड द अनदर वन विल बी एल नीनो, राइट। तो ये एल नीनो और लानीना को हम समझने के लिए करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपका एशिया हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हो जब अर्थ कैसे घूम रही है, ये अर्थ का रोटेशन है, ये रेड पेन से मैं जो बना रहा हूँ ये अर्थ का रोटेशन है, और हवा का ट्रेड विंड्स की रोटेशन, ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो ऊपर का जो सरफेस का जो पानी होता है ना वो कैसे जाएगा, वो टूवर्ड्स दी वेस्ट जाना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है। अब जो नीचे का जो पानी था, ये ठंडा जो पानी का मूवमेंट दिख रहा है ना आपको, ये अंडर द सरफेस है, ये नीचे है, अंडर द सी सरफेस ये इस तरह से मूव करता है, ये होती है नॉर्मल कंडीशन। लानीना के टाइम पर क्या हो रहा होता है ना, यही ट्रेड विंड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। इस रीजन में अगर आप देखोगे दी सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, वहाँ पर ड्राई और वार्म वेदर बनना स्टार्ट होता है, ऑलराइट। अब ये जो पानी जो ठंडा नीचे था ना, ये और इंक्रीज़ होकर के ये चला जाता है हमारे पनामा रीजन के पास, ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। तो ट्रेड विंड्स इंक्रीज़ हो जाती है, अब ये स्पेस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देता है जो पहले वाला था उसका, इसको बोलते हैं लानीना कंडीशन। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, ये रिवर्स होता है, ठीक है, दिस इज रिवर्स ऑफ लानीना, राइट। ये होता है ओशन सरफेस की वार्मिंग, ठीक है, अबव एवरेज जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर होता है ना उसके, राइट। अब ये कहाँ पर हो रहा है, आप देख रहे हो सेंट्रल और ईशियन ईस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है ये। तो जो ईस्टर्ली विंड्स है ना, जो हमारी ईस्टर्ली विंड्स होती थी, राइट, ये अलॉन्ग द इक्वेटर वीक हो जाती हैं। ये हमारा जो लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर लाइन है, इस रीजन में हमारी ईस्टर्ली विंड जो ट्रेड विंड्स थी ना ये वाली, ये अब वीक हो जाती है इस टाइम पर, एल नीनो के टाइम पर। तो इन जनरल जो वार्मर था ना ओशन टेम्परेचर, उसकी एनोमलीज होती हैं। तो ओशन टेम्परेचर की एनोमलीज अगर वार्म हो जाती हैं तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो बनता है, ठीक है। अब इससे हो गया क्या कि बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट रिच जो कोल्ड वाटर था ना, आप देखो कि कोल्ड वाटर कहाँ गया, इसमें आपको ठंडा पानी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, वो कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उसका सप्रेशन होता है, इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो इंडियन मॉनसून होता है ना, इट वीकन्स द इंडियन मॉनसून ऑल्सो, एल नीनो। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ऐसे फिल्म्स में ना आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, एल नीनो क्या करेगा आपके इंडियन मॉनसून को वीक कर देगा, और इसी के कारण ही ड्राउट भी आते हैं, सूखा भी पड़ता है। तो ये भी ऐसी चीज़ों से स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल था इसको जानना। तो यूजुअली जो ENSO का जो पूरा साइकिल होता है ना, इफ़ यू लुक एट दिस ENSO का साइकिल जो होता है, तो द साइकिल लास्ट अप टू 9 to 12 मंथ्स का टाइम होता है इसका, है ना। और ये रीअपर भी करता है हर 2 से 7 साल में। ट्रिपल डिप लानीना की जो कंडीशंस होती हैं ये करती हैं, यानी कि 3 सक्सेसिव ईयर्स, इस बात को आप जानो, 3 सक्सेसिव ईयर्स में करती हैं। क्या ये पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 1998 से 2001 में हुआ है, ऑलराइट, 1973 से 75 के टाइम पर हुआ था, और 1954 से 56 में भी हुआ था ये। तो पहले ही घटना ऑलरेडी घट चुकी है। तो ये जो यूनिक फिनोमिना 2020 और 23 का हुआ, इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो इस बार ये स्ट्रॉन्ग एल नीनो के कारण नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसके कारण हुआ क्या है, बहुत सारा हीट का लॉस हुआ है, ठीक है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया गया था ENSO का इंटर बेसिन इंट्रैक्शन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशंस के अंदर बहुत सारा जो प्रोलॉन्ग्ड लानीना बार बार हो रहा था ना, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। ये सब एक्सप्लेनेशन बताए जा रहे हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई थी 2020 में, आपको सबको पता था ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन था, तो उसमें बहुत सारा स्मॉग भी निकल के आया था, है ना, जिसके कारण लानीना भी ट्रिगर हुआ था। फिर रिसेंट स्टडी के तहत पता चला कि 1998 वाला, 2020 वाला जो था, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी हो रहे हैं, पॉसिबली क्लाइमेट चेंज इस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है। सो देर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर दिस थिंग विच कॉजेज ऑल दिस फिनोमिना। हम एक को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक रीज़न था। देखो ना, 2020 का जो ऑस्ट्रेलिया बुश फायर था वो बहुत एक्सट्रीम इवेंट था, बट उसके बाद और भी छोटे छोटे होते रहे, द अमेरिकन रीजन्स, वहाँ पर भी बहुत सारा फॉरेस्ट फायर होता रहता है, वो भी ट्रिगर करता है ये सब चीज़ें।
सिंपल इजी, ध्यान रही आपके स्टैटिक में ऑलरेडी गिवन है ये ला नीना एल नीनो एंड ई एन एस ओ सब, तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो गया। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 5.14 जिसमें हम लोग बात करेंगे क्राउड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो दिल्ली के कालकाजी टेम्पल में रिसेंटली किसी व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वहाँ पर क्राउड मिसमैनेज हो गया था। इतिहास में ऐसा पहले हुआ है, अगर आप देखोगे चाइना का एक एरिया है चॉन्गक्विंग, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर एक स्टैम्पेड हुआ था। स्टैम्पेड मतलब भगदड़ को बोलते हैं। तो 1941 में जब जापानीज़ ने सिटी में बॉम्बिंग की थी इसके कारण बहुत पैनिक हो गया था। ऑलमोस्ट 4000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द स्टैम्पेड, भगदड़ के कारण 4000 लोग भगदड़ में टक्कर खा के गिर के मर गए थे। तो जब लोग यूजुअली इस तरह की मूवमेंट में दे गेट इंजर्ड दे डाई, दिस इज़ ऑल नॉन एज अबाउट स्टैम्पेड। तो वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है ना, किसी तरह का फिजिकल रिस्पॉन्स से भी हो सकता है, किसी तरह का कोई टाइटली पैक सिचुएशन में होता है तो कोई ट्रिगर भी कर सकती है, कोई बात भी ट्रिगर कर सकती है। कुछ लोग कभी कभी ऐसे अननेसेसरी स्टैम्पेड में चिल्ला देते हैं। कुछ पुराना इंसिडेंट था सदर्न इंडिया की, एक न्यूज़ पुरानी न्यूज़ है बहुत, अभी याद भी नहीं, अराउंड 30 पीपल डाइड समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। तो पीपल देवर एंटरिंग इन द टेम्पल और किसी ने कह दिया था कि बॉम्ब बॉम्ब ऐसे करके, तो वो भगदड़ मच के सब डर गए। उस सीढ़ियों पर से लोग ऐसे भगदड़ मचाए ना, वो गिरे, वो औरतें बच्चे बूढ़े आदमी, 30 पीपल डाइड इन दैट, मैनी वर इंजर्ड सीरियसली। तो जब इस तरह का अनकोऑर्डिनेटेड रश होता है ना, उसके कारण इस तरह का क्राउड डिज़ास्टर हो जाता है। इंडिया के अंदर हमने डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे 2005 का तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत वी हैव NDMA, STMA, DDMA। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। सी देर हैव बिन PYQs ऑन दिस टॉपिक ऑलरेडी ना, NDMA की गाइडलाइंस पर भी देर आर PYQs। तो क्राउड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटीज़ एंड एक्ट है, तो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक होता है वो आपका GS3 में आता है। राइट, लेट मी राइट दिस हियर, दिस ये प्योरली आपका मेंस का ही टॉपिक है और वहाँ पर भी GS3 का है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे जो गुजरात में मच्छू रिवर का था, मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, है ना, 1997 में, ये उपहार सिनेमा, ये न्यू दिल्ली की बात थी, नई दिल्ली में हुआ था इंसिडेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल मेजर्स पे होता है ना, क्राउड बिहेवियर का होता है, 1954 में महाकुंभ मेला पर हुआ था, पार्किंग वार्किंग का इशू होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो सियोल में क्राउड सेट ट्रेजेडी हुई थी 2022 में, अभी एग्जांपल्स हैं, है ना, तो यू कैन नोट रिमेंबर दिस एग्जांपल्स और कल को क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो वहाँ पर कि इस तरह के एग्जाम्पल सिचुएशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। कभी कभी जो भी एनरोल्ड होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ना एजेंसीज़ के बीच में। समटाइम बैक आई विजिटेड दिस अक्षरधाम टेम्पल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है सिनेमा का, आप जाइएगा किसी का मौका मिले तो। एंड देर आई सो द क्राउड, इट वॉज नॉट एक्चुअली नॉट मैनेज, उनकी पार्किंग बहुत अच्छी मैनेज थी, बट वेन इट कम्स टू द एंट्री वाला पार्ट ना, वहाँ पर बहुत मिसमैनेजमेंट था। तो अभी जब मैं टॉपिक आपका पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सडनली वो सारे इंस्टांसेस याद आ रहे हैं, सीन याद आ रहे हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ था और कितना मिसमैनेज था। कोई भी सिचुएशन वहाँ पर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आई थिंक 5000 लोग होंगे शायद, 5000-10000 के आसपास थे। एंड आई वेंट इन द इवनिंग, एक्सट्रीम लेवल पर था, मिसमैनेज क्राउड था वहाँ पर। तो क्राउड मैनेजमेंट में हमको पूरा रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है, है ना, सीरियस सिचुएशन को डेवलप होने से ही बचाना होता था। एक फिस्ट मॉडल है हमारा, क्राउड फोर्स, इन्फॉर्मेशन अपॉन विच द क्राउड एक्ट्स, फिजिकल स्पेस, है ना, इंडिविजुअल की डेंसिटी कितनी होगी, आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं, इंसिडेंट का टाइम ड्यूरेशन, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों को मिला करके ऑपरेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, हर एक वेन्यू की ना, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी होती है, कितने लोगों को वो हैंडल कर सकता है। जैसे मॉल्स वगैरह होते हैं ना, इनमें ड्रिलिंग भी चलती रहती है पुलिस वगैरह की। आई रिमेंबर मेरे सिटी में ऐसा हुआ था कि मॉल में ड्रिलिंग की गई थी, तो ड्रिलिंग में दे चेक कि कितनी कैपेसिटी है। उस दिन कोई सेलिब्रेशन था, मूवीज़ 2-3 रिलीज़ हुई थी, तो बहुत भीड़ थी, तो दे टेस्ट ऑल दीज एप्लीकेशंस की भाई अगर सडनली कोई इंसिडेंट होता है ना, तो कैन वी मैनेज द क्राउड, कैन वी मैनेज द सीरियस सिचुएशन। कल को कोई जैसे ताज होटल में जो टेररिस्ट वाला सिचुएशन होता 26/11 वाला, तो उस तरह की सिचुएशंस दोबारा ना हो देश में, इसके लिए ड्रिलिंग्स भी चलती रहती हैं। गवर्नेंस भी काम करती है ना, तो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की स्थिति पनपने ही ना दी जाए। अगेन कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को अलाउ किया जाए और प्रॉपर क्राउड, प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट होना चाहिए लाइन में हो, एंड देन देर शुड बी एस्केप रूट्स। तो चैलेंजेस तो आते हैं,
कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, रश बहुत देखने को मिला था, फटीग होता है ना, जब क्राउड बहुत होता है तो लोग थक भी जाते हैं चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल के, फंस फंस के, उसमें अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, फ्लड के कारण, इस तरह की चीज़ें क्राउड के डिज़ास्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कभी कभी लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो भारत में आर्टिकल 19 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम लोग बात करते हैं कि वी हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा भी सकती है। देन पुलिस एक्ट जो है उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हमको कोई प्रोसेशन निकालना होगा, उसको कानूनी तरीके से निकालना होगा, मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। देन अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इसमें भी हम लोग बात करते हैं क्राउड मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कैसे वो काम करते हैं। तो पहले वो क्राउड के टाइप को जानने की कोशिश करते हैं, किस तरह के विजिटर्स आएंगे, है ना, कौन कौन होने वाला है, मोटिव क्या है, कोई सोशल गैदरिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, है ना, मीडिया पर्सनल कौन होंगे, कैसे होंगे, क्राउड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज, अरेंजमेंट, कैपेसिटी की प्लानिंग, है ना, ये सिंपल पॉइंट्स है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन क्या करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेजिंग पॉइंट्स, है ना, कहाँ लाइनें लगेंगी, मल्टीपल रूट्स होने चाहिए एंट्री के। आई रिमेंबर आई वॉज पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दैट हैपन इन 2016 न्यू दिल्ली में, और वहाँ मैंने देखा था क्राउड मैनेजमेंट पूरा D&D जो था उस पर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बनाए गए थे, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही पॉइंट से लोग एंटर करें और एक ही पॉइंट से एग्जिट करें। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, 1,500,000 के आसपास लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, तो यमुना फ्लड प्लेन्स में। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि हाँ, क्राउड को मैनेज करने का बड़ा पंगा वाला काम होता है। तो पूरी दिल्ली की पुलिस लाइन थी वहाँ पर, है ना, बाहर से भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बुलाया गया था चीज़ों को मैनेज करने के लिए। क्राउड का बिहेवियर आपको देखना पड़ता है। अब आप कॉलेज के फेस्ट में हो, है ना, तो आप कॉलेज का फेस्ट हो रहा है, सिर्फ जवान लोग आएंगे, तो आप चलाओगे अगर वहाँ पे हनी सिंह, दिलजीत सिंह, बादशाह को, तो नाचेंगे, पंपअप हो जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे वो, है ना। आप बुलाओगे अरिजीत सिंह का तो सारे इमोशनल हो जाएंगे, वो नाचेंगे नहीं, तो क्राउड का बिहेवियर का आइडिया लग जाता है। आई रिमेंबर मैंने कॉलेज में जब फेस्ट वगैरह कराए थे, तो वी हैड टू डू दिस एनालिसिस, पहले हम किस तरह के सिंगर को बुला रहे हैं, कौन परफॉर्म करेगा, किस तरह का क्राउड होगा, है ना, बॉयज़ को किधर रखना है, लड़कियों को किधर, हमने 2-3 एस्केप रूट्स बनाए थे, सडनली कोई ऐसी सिचुएशन होती है, फर्स्ट एड कहाँ लगाना, ये तो मैंने खुद किया हुआ है ये काम, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई वॉज़ द कोऑर्डिनेटर देयर। फिर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑर्गेनाइजर होते हैं, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, एवरीथिंग, एवरीवन हैज़ टू एनरोल, सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, NGO, बिजनेस एसोसिएशन, एवरीवन हैज़ टू कंट्रोल द एनफोर्सेस। और बेस्ट ही होता है कि आपको रिस्क एनालिसिस कर लो, मॉक ड्रिल्स, अगेन मैंने बताया ना, मॉक ड्रिल्स करनी होती है, तो आपको ना आइडिया लग जाता है कमियां कहां कहां पर है। फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। आई रिमेंबर मेरे कॉलेज में ना उन्होंने PA सिस्टम लगाया था, तो PA सिस्टम में क्या था, उन्होंने पूरे कॉलेज में ना स्पीकर्स लगा दिए थे, और जो रिसेप्शन वाला एरिया था ना, वहाँ पर उसका माइक दे दिया था। एनी टाइम पर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपको, कल को फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था, तो वो माइक से आप सबको अनाउंस कर सकते हो, पूरे कॉलेज में अनाउंसमेंट होती थी वो, हर क्लास में, हर कॉरिडोर में, हर बालकनी में, हॉस्टल में लेकर भी, एवरीवेयर इट वॉज अनाउंस्ड। पूरे कॉलेज के अंदर कैमराज वगैरह लगाए गए थे, है ना, क्लासेस के अंदर भी, बाहर भी, एंड हॉस्टल्स में भी, बाहर कॉरिडोर्स वगैरह में, मतलब रूम्स में नहीं लगाए जाते, वॉशरूम्स में, रूम्स में नहीं लगते, बट इट वॉज ऑल प्रॉपरली मैनेज, कल को कोई भी सिचुएशन हो जाए तो उसकी प्रिपेयरनेस थी। ये दिस थिंग वॉज वेरी नाइसली डन इन आर कॉलेज। तो CCTV कैमराज आर वेरी हेल्पफुल, है ना, VIPs के लिए स्पेशल प्लान बनाना ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग हमेशा सवाल कर देंगे, डिस्क्रिमिनेशन क्यों, VIP भी तो इंसान है, और जो नॉर्मल अटेंडीज होता है वो भी इंसान होता है। देखो, VIPs के अंदर ना डिफरेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, इंसान सारे होते हैं, जान की कीमत सबकी उतनी होती है, बट अगर आप देखोगे ना, अगर कल को कोई सिचुएशन हो जाएगी, मान लो कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, तो पॉलिटिशियन को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका रीज़न पता है क्या होता है, तो मुझे भी पहले डाउट हुआ करता था, द रीज़न इज दैट पर्सन हैज़ बीन गिवन दी अथॉरिटी बाय अस टू टेक सर्टेन डिसीजंस, इट्स ऑल कम्स बॉयल्स डाउन टू द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो भी लोग VIPs होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनके पास ये अपने काम को लेकर के, या फिर जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं। और अब देखोगे, इंडिया में कल को कोई सिचुएशन इरप्ट होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को बचाने की जाएगी। क्यों? बिकॉज दे विल बी द वंस हु विल बी टेकिंग डिसीजंस बैक टू बैक, तो उनको बचाए रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए VIPs के लिए एक सेफ पैसेज, स्पेशल पैसेज अलग से क्रिएट किया जाता है। ये हर जगह का नियम है, पूरे संसार का नियम है, और ये अब से नहीं, ये पुरातन काल से ही है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना, वॉशरूम फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना जितना हो सके, अपने कार पुलिंग को अवॉइड करना। 26 जनवरी की जो परेड होती है, आप देखोगे दिल्ली में बहुत अच्छे से मैनेज करती है पुलिस, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। आप देखोगे मल्टीपल एंट्री गेट्स क्रिएट किए जाते हैं, और आई थिंक कई किलोमीटर दूर तक वो लोग कार्स वगैरह का एंट्री बंद कर देते हैं, टू टेक अ वॉक, लंबे रास्ते पर आपको चल के जाना होता है, मल्टीपल चेकिंग्स होती है वहाँ पर, मल्टी लेयर चेकिंग होती है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी टेकन एज अ लर्निंग फ्रॉम दीज इवेंट्स, है ना। और रेड फोर्ट पर जो हमारा इवेंट होता है इंडिपेंडेंस का, रिपब्लिक डे का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं।
तो बार बार इस तरह के स्टैम्पेड वगैरह होते हैं, तो मास गैदरिंग्स में वी नीड टू मेक श्योर रिलीजियस प्लेस, रेलवे स्टेशन, किसी ऑडिटोरियम वगैरह में वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और पैनिक ना करके हम लोगों की मदद ज़्यादा करें। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ये आप भी तो देश के सिटीज़न हो, आप भी तो अपने किसी को खो सकते हो, सो डू मेक श्योर कि आप भी इतना ज़िम्मेदार महसूस करो। चलो जी, मेंस का टॉपिक था ये, हमारा ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर। टॉपिक नंबर 5.15 में हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट सेक्शन होने वाला है। ओके, ये वीडियो ना लेट नहीं होती, आज 27 तारीख है ना, अभी शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। एक्चुअली मुझे ना फीवर हो गया था, मैंने आधा 5.10 तक रिकॉर्ड किया, फिर पता नहीं सडनली फीवर आया, तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक, मतलब मुझे खांसी आ रही थी और आई वॉज ट्राइंग टू सिट एंड रिकॉर्ड बट वो हो ही नहीं रहा था। फिर बाकी भी काम होते हैं, तो मेरे को 2 दिन लगे हैं रिकवर होने में, थोड़ा अभी भी पूरा नहीं हुआ बट इट्स काइंड ऑफ रिकवर्ड कि मैं पेंडिंग रिकॉर्डिंग कर सकूँ। अभी भी मैं ये आपको जब स्टार्ट किया ना न्यूज़ इन शॉर्ट, मैं पिछले 10 मिनट से सोच रहा, मैंने कहा यार ये टॉपिक छोड़ देते हैं, चलो इसको नेक्स्ट वाली में रिकॉर्ड करेंगे, बट कर ही देता हूँ ना फिर। नेक्स्ट वाली हाईलाइट तो हो ही चुकी है, उसको कल तक मोस्ट प्रोबेबली निपटा देता हूँ, डिले नहीं करना है। ठीक है जी, देखिए नीति आयोग ने ना एक ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल लॉन्च किया है, तो ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर आपको वर्ड्स के शब्दों के अगर अर्थ पता होंगे ना, तो आपको इस पोर्टल के बारे में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पोर्टल यानी कि कोई वेब एप्लीकेशन है, ये वहाँ पर बहुत सारा डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, यू कैन एक्सेस द डेटा, यू कैन सबमिट द डेटा, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो फोकस इस बात पर किया जाएगा कि जो वेस्ट लैंड है यानी कि वो ज़मीन जो किसी काम की नहीं आ रही, उसको हम किस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर भी वहाँ कर किया जा सके और वहाँ फॉरेस्ट भी ग्रो किया जा सके। तो उसमें बहुत सारी GIS टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सैटेलाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। और उन्होंने लॉन्च किया था ये भुवन पर, भुवन इसरो का जियो पोर्टल है, वहाँ इसको लॉन्च किया गया था। तो 2019 में ना हमारा एक वेस्टलैंड का एटलस बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंगली भारत में 2015-16 में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 17% के आसपास का वेस्टलैंड था। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एग्रीकल्चर लैंड में, है ना, फॉरेस्ट में, तो वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस। एग्रो फॉरेस्ट्री में हमारी 2014 की पॉलिसी भी है, है ना, और जो हमारा नेशनल मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसका एक सब मिशन भी था एग्रो फॉरेस्ट्री का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और 2020 में हम लोगों ने, मतलब 2020 के लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि जो बॉन्ड चैलेंज में एक प्लेज लिया था, भारत ने संकल्प लिया था कि भाई हम बहुत सारा एरिया जो था 13 मिलियन हेक्टर्स के आसपास को रिस्टोर करेंगे। तो जनरली एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब अगेन वही मैंने आपको बता दिया, क्रॉप्स, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया था, क्रॉप्स फॉरेस्ट ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं। भारत में राइट नाउ जितना भी एरिया है ना, उसमें से हम लोग 8.65 में एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ना ये डेफिनेशंस पर UPSC ना सवाल बनाता है प्रीलिम्स में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। एग्री सिल्वीकल्चरल, तो क्रॉप्स एंड ट्रीज़ अगर सिर्फ ये दो ही चीज़ें होंगी ना, उसको एग्री सिल्वीकल्चर बोलेंगे। सिल्वो पेस्टोरल, इसमें फॉरेस्ट होगा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होंगे, ग्रेज जो चरने वाले चरवाहे वाले। एग्रो सिल्वो पेस्टोरल, है ना, ट्रीज़ होंगे, एनिमल्स होंगे, क्रॉप्स होंगे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री हमने एक टर्म दे दिया है, बट उसको अगर हम कलेक्टिव टर्म दिया था तो ये अलग अलग इसको डिफाइन करें, तो दीज आर द थिंग्स। तो UPSC आपसे कभी भी एग्रो फॉरेस्ट्री पूछेगा ही नहीं, वो आपसे पूछेगा भी यही वाली चीज़ है एग्री सिल्वीकल्चरल। स्टेटमेंट में एक जगह पे ना वो क्या करेगा, एग्री सिल्वीकल्चर लिख देगा और क्रॉप्स एंड ट्रीज़ की जगह क्रॉप्स एंड एनिमल्स लिख देगा, आपको लगेगा हाँ गाँव में तो ये होता है, लोग क्रॉप भी ग्रो करते हैं, जानवरों को भी पालन पोषण करते हैं, तो ठीक रहेगा। बट वो हल्का सा वो स्टेटमेंट को रीड करने में आप ट्री को स्किप करके एनिमल पढ़ जाओगे, वो गए आपके नंबर। तेराई आर्क लैंडस्केप, TAL, तेराई आर्क लैंडस्केप, तो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फ्लैगशिप इज समथिंग, अगर आप इसके अर्थ को जानने की कोशिश करो, समथिंग ऑफ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस वी कैन से। सो व्हाट वी आर डूइंग, 2022 में नमामि गंगे को भी इसी तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था। तो तेराई आर्क लैंडस्केप क्या है, ये एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। ऑलराइट, तो टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स ये सब इस रीजन में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी नेशनल पार्क, की वो वाला एरिया होता है। तो भागमती रिवर जो नेपाल में है, यमुना रिवर जो यहाँ पर कुछ 900 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं TAL, तेराई आर्क लैंडस्केप। और ये जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है 2022 में शुरू हुआ था, ये क्या था, ये UN का जो डेकेड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, डेकेड मतलब 10 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कैसे हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे, उसके तहत हम कुछ पर्टिकुलर जगह को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोग उस पर, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है ना, वहाँ की डिग्रेडेशन को हम रोकते हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ पर काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो बाकी भी कुछ वर्ल्ड के रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स हैं, जैसे कि जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, लिविंग इंडस, है ना, एकिन एंडिना, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, श्रीलंका मैंग्रोव है,
रीग्रीनिंग अफ्रीका है, फॉरेस्ट गार्डन प्रोग्राम है, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब चीज़ें कम होती हैं ना तो उस पर सवाल बनने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि भाई नेशनल पार्क्स हैं 104 सबके नाम याद कर लो, है ना, 500 से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबके नाम याद करो, 5-6 ही है तो याद करने पड़ेंगे। वी हैव दिस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, उसकी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। देखो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है ना, ये इसके पास फंडिंग होती है GEF के पास, ठीक है। तो उनकी मीटिंग जो हुई थी, अब काउंसिल में क्या होगा कि उनके पास देर आर पीपल वर्किंग इन दिस, उन्होंने आपस में एक मुलाकात की, तो उन्होंने ये देखा कि यार किस तरीके से हम लोग ना फंडिंग वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग 1.1 बिलियन के आसपास और इन्वेस्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, है ना, नेचर रिन्यूअल वगैरह के ऊपर। तो इन जनरल तो ये इतना ही है। 2023 में 186 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर चुके हैं कैनेडा में, जब इसका रिवाइवल हुआ था। तो GEF की शुरुआत तो एक्चुअल में 1992 में की गई थी अर्थ समिट के टाइम पर, है ना। अभी इसमें 186 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो काउंसिल भी है इसमें, उसके मेंबर्स वगैरह चुने जाते हैं। जनरली क्या कर रहा है ये, CBD, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन, UNCCD और मिनामाटा, इन सब की फाइनेंशियल, इनको सबको फंडिंग प्रोवाइड करता है। पूरा मैकेनिज्म है, सारे अकाउंट्स वगैरह मैनेज करना, फाइनेंशियल कितना पैसा चाहिए, कितना और चाहिए, कैसे रेज करना है, ऑल दिस थिंग्स। एक मैट्रिक स्पीशीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन, स्टार मैट्रिक। तो IUCN ने ना एक मैट्रिक डेवलप, एक मेथड, एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, और IUCN ने ये काम किया है बाकी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। तो पहले तो 2021 में इसको अनवील किया गया था सिर्फ टेरेस्ट्रियल एरियाज़ के लिए, ना अब उसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। तो IUCN की ना एक रेड लिस्ट है जहाँ पर उन्होंने थ्रेटेंड स्पीशीज़ के नाम मेंशन किए हुए हैं, तो ये चेक करना कि उनको कितना जल्दी उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब के लिए। देन वी हैव कंजर्वेशन रिजर्व। तेलंगाना का जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने एक कॉरिडोर का एरिया उसका अप्रूवल दे दिया था। ये एरिया है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बीच में और कावल टाइगर रिजर्व के बीच में। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है ये आपको जाना जरूरी है, कौन से एक्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो ये एक बफर जोन की तरह काम करता है ना, यहाँ पर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरिया, उनके बीच में एक एरिया होता है। तो यहाँ से यू कैन गो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एनर्जी चार्टर की एक ट्रीटी है, तो यूके ने कहा है कि हम लोग इस आउटडेटेड, ये पुरानी ट्रीटी है, हम लोग इसको छोड़ना चाहते हैं। तो 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, एनर्जी कोऑपरेशन के लिए है ये, है ना। इसमें 53 सिग्नेटरीज हैं और ये सब इसके पार्ट हैं। ब्रूमेशन की अगर हम बात करें, ब्रूमेशन एक टर्म है, ठीक है। अब आप लोगों ने हाइबरनेशन के बारे में सुना होगा, है ना, जानवर वगैरह हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो बहुत समय तक वो अपना खाना वगैरह इकट्ठा करके ठंड वगैरह में, एंड दे जस्ट एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, आपने सब टर्म्स पढ़े होंगे स्कूल टाइम में, पढ़ते थे हम सब। तो अमेरिकन एलिगेटर्स जो हैं वो ब्रूमेशन में जाते हैं, ब्रूमेशन भी एक तरह का हाइबरनेशन ही होता है। तो ब्रूमेशन के अंदर जनरली रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जो होते हैं वो चले जाते हैं। और भी तरह के हाइबरनेशन होते हैं, एक डायापोज होता है ना, एक एस्टिवेशन होता है, समर में होता है एस्टिवेशन, टॉरपोर होता है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कम हो जाती है शॉर्ट टर्म में। ये आपको याद रखने हैं, अगेन डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट, याद रखो इनको। वाइट राइनोस, भाई पहले तो ये देख लो, ये होता है अफ्रीकन वाइट राइनो, ये होता है इंडियन, ठीक है। एशिया में जितने पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा ये होता है, और एलिफेंट के बाद सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल ये होता है, मैमल, एनिमल नहीं, मैमल, ठीक है। इसके दो हॉर्न होते हैं, इसके जनरली एक हॉर्न होता है, ये अच्छा स्विमर होता है, बट ये जनरली अफ्रीकन रीजन में देर आर मड्स, है ना, तो वहाँ पर पाया जाता है। नमीबिया, उगांडा, रवांडा, भारत में असम, वेस्ट बंगाल, काजीरंगा, नेपाल, वहाँ पर वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, इंडिया वाला वल्नरेबल है ना। और अभी टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, पहली बार इसकी IVF प्रेगनेंसी ट्रेस के ऊपर काम किया गया, वर्ल्ड का पहला वाइट राइनो की IVF थी, इससे उस स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो बैंक, जो सैंपल बैंक की तरह, मतलब बैंक क्या करता है, स्टोर करता है, बायो सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब एनालिसिस प्रॉपर, तो एनिमल के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं उनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए। जीन ड्राइव के अंदर क्या होगा, उन सबकी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, उस वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। इंडियन स्किमर्स, ये एक पंछी होता है, तो कोस्टल एस्चुरीज पे पाया जाता है, और IUCN इसका एंडेंजर्ड है, इतना ही जानना होता है इस तरह के टॉपिक्स में। नीम ट्री, तो नीम समिट हुई थी रिसेंटली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, है ना। तो नीम भारत में, हमारा तो नेटिव है अपना, तो है ना, एवरग्रीन है, हमेशा होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ICR और सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर इसको पे काम किया था। देन वी हैव हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, उन्होंने विंड्स इनिशिएटिव, हम लोगों ने पढ़ा था ना विंड्स अभी ऊपर टॉपिक में,
तो इसमें किस तरीके से हम वेदर के ऑब्जर्वेशन पे काम कर सकते हैं सिंगल विंड्स पोर्टल पे। तो 2 लाख ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे और हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग भी की जाएगी, उसमें भी वेदर की प्रेडिक्शंस किए जाएंगे, लेकिन उस वेदर मॉडल्स काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाले होने वाले हैं। तो हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग की रिक्वायरमेंट भारत में क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर मानसून वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। देखो अभी हम लोगों ने ENSO वाले टॉपिक में देखा ना, 65 ईयर्स के अंदर कितना ज़्यादा रेनफॉल में डिक्रीमेंट देखने को मिला था 6% के आसपास। और आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में हर बार होता है मानसून भारत का जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो एल नीनो के कारण कितना फ़र्क पड़ता है, और इस बार ट्रिपल डिप देखने को मिला था। फिर डिज़ास्टर से प्रिपेयर होने के लिए वी नीड टू हैव एविडेंस, देन वी कैन प्रिपेयर, कि इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अगर आप देखोगे शहरों के अंदर कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि जो सॉइल होती है ना वो प्रॉपर से हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही होती है, एंड वो रिफ्लेक्ट होकर के सरफेस से बहुत लंबे समय तक रहती है। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर एक हीट का आइलैंड बन जाते हैं, उस तरह की चीज़ को भी हैंडल करने के लिए। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था इस प्रोग्राम के लिए, है ना, 2021-22 से 2025-26 तक का है। शुरुआत में ये 2007 और 2012 से था, तो उन्होंने कहा था कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ऑलराइट, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से ह्यूमन लाइफ, लैंड और प्रॉपर्टी को सेव करे, है ना, फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स फ्लड से, तो उसमें टेक्निकल गाइडेंस क्या होगी, फाइनेंस कैसे दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पैसा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस पर काम करेगी, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर काम किया जाएगा। रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज़ के लिए फ्लड कंट्रोल पे काम करना, एंटी इरोजन, ऑल दिस बेसिक चीज़, मैं बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक रिवर रिसेंटली यूएसए में देखने को मिला था, तो ये बहुत ही छोटा और कॉरिडोर बन जाते हैं मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट के एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ, तो सिंपल। AMOC, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, वी हैव कवर दिस टॉपिक इन डिटेल पहले। तो रिसेंटली AMOC के स्टार्ट होने की अर्ली वार्निंग दी गई थी, तो जब वाटर नॉर्थ से साउथ की तरफ सर्कुलेट करता है ना अटलांटिक ओशन के अंदर, तो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस और सॉल्ट कंटेंट के डिफरेंस के कारण ही क्रिएट हो जाता है। इट्स बेसिकली सर्कुलेशन होता है जिससे बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ना अर्थ के ग्लोब के, उस पर बहुत सारी वार्म्थ क्रिएट हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक है रिप करंट्स, तो हमारा जो इनकॉइज है और इसरो है, उन्होंने कहा था कि रिसेंटली वी हैव टू क्रिएट अलर्ट फॉर द रिप करंट्स। अब रिप करंट्स क्या होता है? जब पानी बीच बैक से ओपन सी की तरफ जाता है स्ट्रॉन्ग एकदम से तेज़ी से, तो 10 से 20 फीट की विड्थ में इतना ज़्यादा पानी हो सकता है ना, तो जनरली ये ईस्ट में, गल्फ में, वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है। जनरली ये लोगों को वाटर के अंदर खींचता नहीं है बल्कि उनको किनारे से दूर ढकेल देता है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो कंप्लीट होती है, लास्ट वाली मैं अभी कर दूंगा, मोस्ट प्रोबली मेरा फीवर दोबारा से नहीं चढ़ा तो मैं आज रात को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा 27 की रात को, कल शाम तक हो जाएगी। अगर हुआ फीवर तो मे बी और 1-2-3 दिन डिले हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट द फीवर। बाकी टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।